पे मिलता है, राइट। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए, कभी भी किसी क्लाइंट को टाइम दिया है हमने तो भले उनको ना ना बताए, लेकिन हम लोग 10 मिनट पहले जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में भी बहुत सारे टाइम हम लोग देखते हैं भीड़ रहती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और क्लाइंट से पहले पहुंचना बहुत जरूरी होता है। उनसे पहले पहुंचने से आप सर्वे कर सकते हो, प्रिपेयर रह सकते हो, घाई घाई में आओगे क्लाइंट के पास और बात करना चालू करोगे तो क्लाइंट आपको उतना रिस्पेक्टफुली नहीं लेगा, बोलेगा ये तो टाइम का पका नहीं है और आया है तो पसीना आया है, लेट हुआ है और बात नहीं कर रहे ढंग से, ये सारी चीजें बाद में होती है पहले टाइम पे नहीं पहुंचने की वजह से। तो हम लोग अपने आप को ऐसे प्रिपेयर रखे कि हर टाइम वक्त से पहले पहुंचे और अपने जगह पे तैयार रहे, और प्रिपेयर करके जाना बहुत जरूरी है। टाइम कोई भी कम, जब भी आप जाओगे किसी मीटिंग के लिए ना, तो टाइम से पहले पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आप प्रिपेयर रहते हो और प्रिपेयर होके जाओगे। जैसे कुछ क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी बताना है तो कितना स्क्वायर फीट है, कौन सी एरिया में है, आजू बाजू में क्या क्या है, उनको क्या हम लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बता सकते हो जगह के, सारे नक्की करके जाएंगे तो काम करने का मजा और रहता है और उसका बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू। गुड, बहुत अच्छे हैं। अब मैं चाहूंगा आप लोग अपना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, योर नेम, लोकेशन, और आप कब से रियल एस्टेट में हैं, और आपका एक सपना, सब लोग का सपना सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ड्रीम, योर ड्रीम, फटाफट वन बाय वन। जैसे मैं बताऊं तो मेरा नाम सनत है, मैं पूना से हूँ और मैं पिछले 11 सालों से रियल एस्टेट में हूँ, और मेरा सपना है कि मैं ऐसे बहुत लोगों की जिंदगी बदलूँ आप जैसे। यस, इसका नाम नमस्ते सर, बताओ। मेरा नाम सैयद यासिन है और मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। और अभी मैंने रियल स्टेट अभी स्टार्ट नहीं किया, बट जॉब कर रहा हूँ एक रियल स्टेट फर्म में, सेटलिंग नाम है इसका। तो आगे करेंगे सर, आपका आप जो भी सिखाएंगे उसका अप्लाई करेंगे। मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। ओके, वेलकम वेलकम। एंड ये ना, बाकी लोग प्लीज अपना म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एट अ टाइम एक आदमी बोलेगा तो हम सुन पाएंगे, लेकिन थोड़ा क्विक काम, क्योंकि हमारे पास बहुत नॉलेज लेना है और टाइम एकदम से भाग रहा है। यस, नेक्स्ट कौन? नेम, लोकेशन, वन ड्रीम। चलो फटाफट, नेम, लोकेशन, वन ड्रीम। सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अनिल है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ और अभी मैं मार्केट में हूँ, सर्वे कर रहा था सर। और मैंने एक महीने पहले ही रियल एस्टेट स्टार्ट किया है। मेरा सपना ये है कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करूँ नया घर लेने में, उनको स्टेबल करने में, और उसके साथ में मैं नाम भी कमाऊँ और मैं बहुत सारा काम करूँ। थैंक वेरी यू। गुड, नेक्स्ट। कौन? मैं नाम लेता जाऊं क्या? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, आई एम जतिन फ्रॉम उड़ीसा सर। ये 4 साल के बाद मेरा रीस्टार्ट है सर, और जैसे कि आपने कहा सर, उसी तरह से मैं भी इस फील्ड में नाम कमाना चाहता हूँ और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। जोरदार तालियां। नेक्स्ट, फास्ट। लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, फिर हम चालू कर देंगे। सर जो लोग पहले इंट्रोड्यूस कर सके उनको रहने देना, जैसे हम लोग। बोल दो, फटाफट जान जाओगे कम से कम आप एक दूसरे को। ठीक है। हाँ फिर सर, कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है, राइट। ठीक है। मेरा नाम अमन है, मैं कालका हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 6 महीने से रियल एस्टेट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। और मेरा ड्रीम है एक सक्सेसफुल रियल्टर बनना, एंड मैंने सेम ही लास्ट टाइम बताया था, तो दिस इज माई ड्रीम। वेरी गुड, स्वागत है अमन आपका। यस, नेक्स्ट कौन बचा है? हेलो, धन्यवाद सर। जगताप साहब। हेलो, हाय सर, हेलो एवरीवन, माय नेम इज किशोर। ओके किशोर, हेलो, हाँ हाय सर, माय नेम इज किशोर बागल, आई एम फ्रॉम नवी मुंबई आयरोली। माय एजुकेशन इज एमबीए फाइनेंस, आई एम वर्किंग इन आईटी फील्ड, बट आई एम वेरी मच पैशनेट इन रियल एस्टेट एंड आई एम फॉलोइंग योर वीडियो सिंस लास्ट 6-7 ईयर्स नाउ। एंड
I'm learning real estate. I have given a RERA exam also now. Just learning the skills of it, and I want to start as soon as possible. And my dream is I want to buy 3 crore house in Good. Next 2 years. Wow! Jarur, jarur. जरूर पूरा होगा आपका सपना। नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज जगताप है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूं और पुणे में ही मेरी कंपनी है पुणे प्रॉपर्टी गुरु। मैं रियल इस्टेट में पिछले 12-13 साल से काम कर रहा हूं और बहुत सारे काम करते रहता हूं और बहुत सारी चीजें सीखते रहता हूं, और प्रॉपर्टी के बारे में जो भी नॉलेज मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सरकार की तरफ से आता है, सारे मैं पढ़ते रहता हूँ। वेरी थैंक गुड, यू। वेरी गुड। नेक्स्ट। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो हाँ, सुनाई दे रहा है, प्लीज। सर मेरा नाम यश है, थोड़ा थोड़ा नर्वस हूँ सर, बट हाँ सर, एज अ रियल एस्टेट एजेंट स्टार्ट करना है मुझे, यंग हूँ अभी, 24 एज है मेरी। एज अ फ्रीलांसिंग अपने जो मार्केटिंग एजेंट्स रहते हैं ना, रियल एस्टेट एजेंट्स और सीपीएस चैनल पार्टनर, उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, बट एज अ एजेंट मुझे अभी स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से। वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छी, तो हम स्टार्ट करें या कोई फटाफट बचा है तो जल्दी किसी एक ही मुझे मेंबर दिख रहा है जो कि मुस्कान जी। मुस्कान जी, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लो आप। योर माइक इज म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अब ठीक है। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मुस्कान है, मैं गुड़गांव से हूँ और अभी मैंने और मेरे ब्रदर ने रियल एस्टेट स्टार्ट किया है 17 जून 2023 से। ओके। और हम 2 ईयर के अंदर बहुत आगे जाना चाहते हैं रियल एस्टेट में, इतना आगे जाना चाहते हैं कि कोई गया भी ना हो। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत खुशी हो रही है, ऐसे ही सपने देखने चाहिए। यस, कोई और है जो एक लास्ट हम आदमी लेते हैं, मैं 110 पे एकदम स्टार्ट कर दूंगा। हेलो सर, आदर्श सिंघवी हियर फ्रॉम हैदराबाद, एंड आई एम मोस्टली इनटू प्राइमरी सेल्स, एंड मुझे एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के ऊपर, और हमारा टारगेट है कि हम इस साल 100 सेल्स अचीव करें आपके गाइडेंस के थ्रू। क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार तालियां। यस, थैंक यू सर। नहीं भी किया क्योंकि हम यहाँ नॉलेज के लिए बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से बात करने में, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी आप लोगों से मिलने की बात आती है। बिजनेस क्लाइंट के साथ करता हूँ तो वो तो ठीक है, यू नो, हो गया, बहुत कर लिया, बट आप लोगों के जब सपने सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये जो मकसद था, ये 10 मिनट जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया, तो ये मकसद था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। यहाँ पे जगताप साहब जैसे मेरे ख्याल से 50s के लोग भी हैं, यंग बच्चे भी हैं, यू नो, विमेन भी हैं, और तरह तरह के प्रोफेशन हैं, वो डिजिटल करते हैं, उनका कुछ अलग प्रोफेशन था, अमन सिंह का कुछ और था, तो ये सबके लिए बिजनेस है। इफ यू नो दे ऑल कैन डू इट, वी कैन डू इट। मैं खुद आर्मी, मेरा बैकग्राउंड रहा है, कितने लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर भी बहुत लोग जानते होंगे, तो मेरा नाम सनत ठाकुर है, मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस की है 16 ईयर्स तक, और उसके बाद मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, मैं परचेस मैनेजर था एक कंपनी में, और फिर मुझे लगा मुझे खुद का कुछ करना चाहिए, और ज़्यादा पैसा नहीं था, बिजनेस का नॉलेज नहीं था, नॉर्मल एक सिंपल यू नो मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ऐसे आए थे हम लोग, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी जिससे मैं जुड़ गया, एमवे नाम था उसका, उसमें काम किया, उसमें सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये सारी चीज़ें, तो मार्केटिंग जो था आर्मी से मुझे डिसिप्लिन सीखा मैंने, सेल्स मार्केटिंग यहाँ पर सीखा, एंड देन फिर वहाँ पे भी मेरी ज़्यादा दिन चली नहीं किसी वजह से, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, और फिर रियल एस्टेट में मैंने एंट्री मारी 2013 में, मैं रियल एस्टेट में आया हूँ लगभग 11 साल, मतलब 11th ईयर्स हैं जो अभी अभी चल रहा है मेरा, और पूना से हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर अभी काम कर रहा हूँ।
अब ये जो YouTube का ख्याल आया तो उसके पीछे मुझे, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था तो काफी लोगों को मोटिवेट, हमारा 2000 से बड़ा ऐसा टीम था, तो वो एक मतलब यहाँ पैसा तो आने लगा लेकिन रिकग्निशन उतना नहीं था। वहां पे रिकग्निशन बहुत रहता है, लीडर जो रहते हैं एमएलएम के, मतलब आप लोगों ने देखा होगा ये सारे जितने भी आप देखते हो, ये संदीप महेश्वरी जगह वगैरह, वो सब तब बच्चे थे जब वहाँ ज्वाइन हुए थे, ये 2002 की बात थी, और वहां से उनको ये सब चस्का लगा था बोलने का। ज्यादातर ये जो यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, मैक्सिमम उस इंडस्ट्री से आते हैं, चाहे वो सोनू शर्मा हो या बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा। खैर हम आ जाते हैं आज की बात पर, तो क्या कोई पहले सवाल पूछना चाहेगा या मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में, एंड देन फिर हम क्वेश्चन करें और फिर एंड करें, क्या बेटर रहेगा? कि कुछ लोग हैं जो बैठे हुए कि सवाल पहले पूछ लिया जाए, तो सवाल से स्टार्ट करते हैं। सर आप बता दो पहले। हाँ, तो अब चलिए मैं आज जो बताऊंगा वो होगा बेसिक्स क्या है। हर एक बिजनेस के अपने बेसिक्स होते हैं जो हमें डेली करने होते हैं, जैसे सवेरे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, यू नो, तो ये हमें करना ही है रोज। तो रियल एस्टेट में मुझे क्या करना है, और ऑलवेज रिमेन इन बेसिक। एक बार ये बेसिक्स आपके हो गए या मास्टरी हो गई बेसिक पे, फिर आप चाहे जितना पैसा कमाओगे। हो सकता है इसको प्रॉपर सीखने में थोड़ा वक्त लग जाए, जब किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी बुनियाद जब पड़ती है तो ये वक्त लगती है, और साथ साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लेकिन एक बार सॉलिड अगर आपकी नींव है तो आप उसके ऊपर कितने भी फ्लोर ना बिल्डिंग बनाते जाते हैं। तो बुनियाद होनी बहुत स्ट्रांग जरूरी है, क्योंकि आप लोग ये मेरे इनर सर्कल के लोग हो, जो यूट्यूब से हट के हो, जो पर्सनली जिनसे मैंने फोन पे बात भी की है और मैं खुद उनको मेंटरिंग कर रहा हूँ। तो ये होना चाहिए कि पहले चीज जो मैं बताऊंगा कि अनलर्न एवरीथिंग, जो आज तक आप जानते हो ना उसको पहले भुला दो। एक एक स्टोरी होती है, एक बंदा जाता है वहां पे तबला सीखने के लिए, ऐसा दो तीन लोग आए रहते हैं, तो जो गुरु जी हैं वो उस्ताद जो है उनके, वो पूछते हैं कि भाई आपको कुछ पता है आप लोगों को तबले के बारे में या कैसे? तो एक बंदा बोलता है कि हाँ मैंने 2-3 महीने बजाया था, मेरे एक दोस्त से मैंने सीखा था, तो थोड़ा बहुत मुझे आता है, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? तो बोलते हैं कि आपको तबला सीखने में लगभग 2 साल का वक्त लग जाएगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर दूसरा बंदा है, उससे पूछते हैं कि भाई आपका कुछ है इससे पहले का नॉलेज? बोलता है हाँ, तबला फर्स्ट टाइम है, मैं न्यू हूँ, मैं एकदम फ्रेशर हूँ, मैंने कुछ भी तबला का आज टी नहीं सुना और ये पहला दिन है। तो बोलता है अच्छा, तो बोलता गुरु मुझे कितना टाइम लगेगा? तो बोलता है आपको 1 साल लगेगा। बोलता है यार, वो पहले वाला बोलता कि सर मैं तो पहले काफी कुछ कर चुका हूँ, आपने मुझे कहा 2 साल लगेगा, और इनको आप कह रहे हो जिसको कुछ पता ही नहीं पहली बार, उनको कह रहे हो 1 साल, ऐसा क्यों? शायद आपसे कुछ गलती हुई है। बोला नहीं नहीं मुझे गलती नहीं हुई है। अभी ये 2 साल क्यों लग, कोई कमेंट करेगा क्या उसको 2 साल क्यों लगेगा? सर उसको फिर सब कुछ पहले जो सीखा वो भूलना पड़ेगा, नई सर से शुरू करना पड़ेगा सर। वेरी वेरी ट्रू। मैं यहाँ पे स्मार्ट लोगों से बात कर रहा हूँ। अब तो अनलर्न करने के लिए जो जो आता है ना, वो निकालने के लिए 1 साल जाएगा, एंड देन सिखाने के लिए जाएगा। तो आपको ना ऐसे कि ये मास्टरी करनी है अपने को, जो ये अभी बेसिक्स हैं। तो अभी तक आपने थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, जैसे ना चार अंधे थे और उनको हाथी दिखाया गया, ठीक है, तो सबने छुआ और फिर उनसे पूछा गया कि बताओ कि हाथी कैसा है? तो जिसने पूंछ पकड़ी थी तो उसने बोला हाथी एक सांप की तरह है, सांप है। तो बोला अच्छा, मतलब वो भी सही है अपनी जगह पे। जिसने पैर पकड़ा बोला खंबा है मोटा सा हाथी, मतलब तो जिसने जो चीज को छुआ वो बेचारे देख तो सकते नहीं थे, तो पर उन्होंने छू के और बता कि ये बड़े, चारों के चारों गलत थे, है ना? तो आप थोड़े थोड़े पीसेस में आप जानोगे तो पूरा रियल एस्टेट नहीं जान पाओगे। तो एक बार, क्योंकि कोई फॉर्मल एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं है कि एक इसमें आपने एमबीए किया रियल एस्टेट में तो होता क्या है, चार तरह के रियल एस्टेट होते हैं, रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, इंडस्ट्रियल होता है ना, प्लॉट में होता है, फिर उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है लीज पे देना, एक होता है आउटराइट करना, फिर इसमें भी होता है एक सेकेंडरी मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट है, देन फिर क्या क्या इन्वॉल्व है। तो ये एक बार बुनियादी चीजों पे आपको एक्सपर्टाइज मास्टरी करनी है, बस थोड़ा टाइम लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्ड इट वंस बिल्ड इट राइट। अब जिसने पेन पे पेपर लेके बैठे थे वो लिख डालो, या जहां बैठे हो मोबाइल में इसको लिखो, बिल्ड इट वंस बिल्ड इट राइट, ये लिख लेना, तो फिर आऊंगा वापस। तो हो गया, ठीक है,
तो एंड सेकेंड चीज कि मास्टर द बेसिक, मेरे को मास्टरी करनी है इसमें, ऐसे नहीं कि मेरे को आता है। अगर मैं कॉलिंग करूंगा तो बेस्ट कॉलिंग करूंगा विदाउट हेजिटेशन, मेरे को किसको भी बिठा दो, बिग शॉट है, छोटा है, ऐसा है, रेंटल का है, प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए मांग रहे, किसको भी लगा के दे दिया एकदम, हेलो सर गुड मॉर्निंग, जो भी है, ऐसा नहीं कि अरे पता नहीं क्या बोलेगा, डर ही नहीं है मेरे पास। कॉलिंग मतलब एकदम फन्ने का, लिस्टिंग करनी है तो मेरे को प्रॉपर ऐसा डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, फोटोज ऐसे वीडियो, वो एकदम कि 99 एकर पे आता है, मैजिक पे नहीं आता, हाउसिंग पे आता है तो यू नो इस पे नहीं आता, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, पोर्टल नहीं है जिसपे मैं लिस्टिंग करना नहीं आता और मुझे प्रॉपर्टी निकालना नहीं आता, इसको मास्टरी बोलते हैं। तो पहली चीज कहाँ पे मास्टरी करनी है, वहां पे आते हैं बेसिक स्टार्ट। तो पहला चीज है कि आपको एक ऐसा लिस्ट बनाना है, व्हाई, मैं हमेशा बात करता हूँ कि व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस, वो पहले क्लियर करो। हाउ मैं बता दूंगा, बुक्स बता देंगी और बहुत सारे स्पीकर हैं और यू नो आप मार्केट में रहोगे, बट व्हाई केवल आप खुद जानते हो अपना। मेरे लिए व्हाई क्या था, मुझे उस कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया था एमवे से और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे लिए या तो करो या तो मरो, अगर यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो मैं एकदम मतलब बच्चे आ जाएंगे रोड पे, इतना मेरा फ्लैट था ईएमआई पे, बच्चे दोनों पढ़ रहे थे मेरे, एक बेटी एक बेटा है, उनकी फीस जाती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं कार चलाता था, बढ़िया था। अचानक एक मेल आ गया कि आप टर्मिनेट, कुछ इश्यू हुआ था कंपनी का, मेरी गलती भी नहीं थी, वो कुछ टीम की थी, लेकिन एज ए लीडर मैं चाय से ज्यादा केतली गरम, मेरे सब ऑर्डिनेट को कुछ बोला तो पहली गोली मुझे लगनी चाहिए, मैं एक ऐसा फौजी दिमाग कैसे होता है ना, मैं डिप्लोमेटिक नहीं रहता हूँ, तो गलत है तो गलत बोलूंगा, तो मेरे सीनियर से हो गई बहस, तो मैंने कहा कि जाओ मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा, देखा जाएगा। एंड देन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था मुझे, अगर होता तो मैं नहीं यहाँ पर आता। कई बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो रियल एस्टेट को बुरा बोलते हैं, मैं उनको इतना बुरा बोलता हूँ कि उनके पूरे यू नो खानदान को मैं बुरा बुरा बोलता हूँ, ऐसे उचकता नहीं उचक गया, क्योंकि ये रियल एस्टेट है जिसने सनत को यहाँ पे बनाया, जिसके पास पैसा नहीं था पर आग थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, एक मौका मिले भगवान, और यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, जैसे मुस्कान जी ने बताया ना मुझे बड़ा बड़ा बहुत नाम करना, बस यही चाहिए। वो क्वालिटी क्या चाहिए मैं बता देता हूँ, काफी चीजें आएंगी और इसके एक एक शब्द जो ये वीडियो के है ना आपकी जिंदगी बदल देंगे, पता नहीं कौन सा आइडिया कौन लेके जाएगा और कितना बड़ा बिजनेस का एम्पायर क्रिएट कर देगा, घर कार बंगला ये तो होना ही है आपका, बट इसको शिद्दत से सुनना, ये नहीं कि बड़ा मजा आ रहा है, मजा आने के लिए नहीं हो रहा है ये, इससे हमको रिजल्ट दिखाना है। तो वो क्या है, हैश, HASH, ये क्वालिटी अपने अंदर लाना है, वो भी लिख सकते हो आप लोग अगर कहीं है तो, या तो जो बंदे ये जो यू नो ये हैं जो मैनेज कर रहे हैं होस्ट को, मैं कहूंगा कि वो भी लिख देंगे, H फॉर हंग्री, स्टे हंग्री, हमेशा भूख होनी चाहिए कि मेरे को और चाहिए, ऐसे नहीं कि आई नो ऑल आई एम बिग शॉट, अबे आई नो ऑल है तो तुम अंबानी और टाटा और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, है ना, सब कुछ आता है, तो हमेशा भूख रहना चाहिए और कभी सेटिस्फाइड मत हो, कभी सेटिस्फाइड मत हो लाइफ में, याद रखो सक्सेसफुल बनना है ना, स्टे हंग्री, H, उसके बाद A, एम्बिशियस होना चाहिए बंदे को, क्या कि कोई कार मैं चला रहा हूं और बाजू से निकले ऐसी यू नो फरारी लैम्बोर्गिनी तो ओ क्या कार है यार भाई गजब की, नो मेरी है नहीं है पर कुछ हो तो मुझे ऐसा होना चाहिए अंदर से, और कुछ हो नहीं रहा है तो समझो यार मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, बड़ा बिल्डिंग देखा, मैं जब भी खाली रहता हूँ पता वर्ल्ड के बेस्ट घर सबसे कॉस्टली कारें ये देखते बैठता हूँ, ये होता है एम्बिशियस की निशानी। ड्रीमर, मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई सनत ठाकुर बोले, सनत आर्मी वाला, सनत एमवे वाला, सनत रियल एस्टेट वाला, सनत ड्रीमर ऐसे बोले तो मैं ज्यादा खुश हूंगा, मैं ड्रीम देखता हूँ और सपने भेजता हूँ, यहाँ भी मैंने बोला सपने बताओ, आपके सपने आपको ना फ्यूल का काम करेंगे, रियल स्टेट तो चलता है यार, आप नहीं हो कर पा रहे हो आपको दिक्कत आ रही है आपकी प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉपर्टी बन रही है एंड लोग खरीद रहे हैं, आप नहीं भी करते तब भी आते हैं 100 एकड़ में प्रोजेक्ट और बिक जाता है, इन्वेंट्री नहीं है, रिसेल में आया रेंटल में आया कोई बैठा नहीं है, पहले से चल रहा है अभी भी चलता रहेगा क्योंकि ये बेसिक नीड है ह्यूमन की, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले आदमी खाने की सोचेगा, पेट भर गया तो कपड़े की सोचेगा, उसके बाद उसको एक छत चाहिए, तो जब तक ये पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी लोग तो घर खरीदने वाले हैं, और घर एक स्टेटस सिंबल भी है, अगर मेरे पास एक है तो मैं सोचूंगा और बढ़ा लूं,
बड़ा हो गया तो मैं सोचूंगा हॉलिडे होम दू, क्योंकि इंडिया के अंदर या बाकी कंट्री में भी देखा जाता है कि अमीर कौन है, 1 BHK है, 2 BHK है, 4 BHK है। चैट में लिखो अमीर कौन रहेगा, जिसका जितना बड़ा घर है, जिसका जितना बड़ा गाड़ी है। तो ये हम लोग ऐसा चाहते हैं, तो ये हमेशा लगने वाली चीज है, तो यहाँ पे धंधा हमेशा रहने वाला है। बोलते हैं बिजनेस ऐसी चीज की करो जो हमेशा की जरूरत है। हो सकता है बंदा कार ले नहीं ले, रिसेशन आ गया, बट घर तो चाहिए उसको। ऐसे तो नहीं कि आके रोड पे रह रहे हैं, तो ये नेसेसिटी है, तो ये बिजनेस तो अच्छा है। ठीक है, अब मैं आ रहा था कि ठीक है ड्रीम देखो, हैश में से क्या क्या बताया, मैं चेक करता हूँ आप लोगों को सुन रहा है या नहीं। हैश में से क्या क्या, सर एच और ए हो गया हंग्री ए से क्या बोला मैंने, एम्बिशियस हंग्री, ए से हंग्री, एम्बिशियस एम्बिशियस, हंग्री एस फॉर स्मार्ट, स्मार्ट होना चाहिए। खाली हार्डवर्क कर रहे तो नहीं चलेगा, ये जमाना बदल गया है। जमाने के साथ साथ अपने आप को बदल दो। पहले कभी न्यूज़पेपर में ऐड आया करते थे, बोर्ड लगाते थे, फिर 99, अभी पूरा वो डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टा, ट्विटर, यू नो, यूट्यूब, टोटल तरीके बदल रहे हैं। आज मेरे को बोलो 100 में से 100 ऑनलाइन आ रही है न्यूज। जो पर्सनल रेफरेंस है वो तो अलग चीज है, बट ऐसे नहीं कि कोई एक बंदा निकला, आसपास कहीं ब्रोकर है क्या, फिर रस्ते वाले से पूछा, यहाँ कोई रियल एस्टेट वाला है क्या, फिर वॉक इन आ गया। होता है क्या ऐसा, ऐसा नहीं होता है ना। अभी हमको यू नो ढूंढना नहीं पड़ता है, तो ये चीजें समझो कि ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। तो यू नो स्मार्ट बनना है कि चेंज के साथ चेंज हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो तब बनोगे जब आप ऐसे ट्रेनिंग सेशन में आओगे, घर पे बैठ के अकेले ही स्वयंभू अपने आप को ड्रीम आएगा आपको और ये अक्ल आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, जब ऐसे लोगों के, जैसे लोगों के साथ एसोसिएट करोगे वैसे ही बनोगे। मान लो मैं यू नो मेंटल हॉस्पिटल में रह रहा हूँ, तो वहां जाके स्मार्ट बनूंगा क्या? स्मार्ट लोगों के साथ रहूंगा, बिजनेस एंटरप्रेन्योर यू नो जो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ रहने से बनूंगा। तो वैसे लोगों की संगत करो, तो स्मार्ट होना चाहिए। एंड लास्ट एच है स्टे हम्बल। कितनी भी कामयाबी मिल जाए वो दिमाग में नहीं जानी चाहिए, अकड़ नहीं आ जानी चाहिए, एटीट्यूड नहीं बन जाना चाहिए। जिस दिन आ गया वो आपके दिन भर गए समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ लाल टमाटर मत बनो, लाल टमाटर बनोगे तो दुनिया तोड़ के खा जाएगी, पेड़ से गिर जाओगे। ग्रीन रहो हमेशा, हरे टमाटर रहो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप तरक्की कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, तो हमेशा लाल टमाटर नहीं बनने का। भले आप 80 साल के हो जाओ, भले कितने मल्टा मिलियनर बन जाओ, टीचेबल, रिमेन टीचेबल, रेडी टू लर्न एंड लिसन, वो क्वालिटी होनी। तो हैश क्वालिटी अपने अंदर डालना है कि मैं हंग्री हूँ, एम्बिशियस हूँ, स्मार्ट हूँ एंड हम्बल हूँ, फिर देखना बहुत चलेगा। तो पहला था कि क्या है, वाई क्लियर कर लो। तो वाई के लिए मैंने पहले मीटिंग में ही बताया था, ये बिजनेस में कामयाबी होने का 80% है कि आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा था स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, मैं ये नहीं, अगर रियल एस्टेट मेरे से नहीं हुआ तो दुनिया मेरे पे हंसेगी, कि बहुत सनत हवा में बात कर रहे थे, बोल रहे थे हम ये बन जाएंगे, अपने रिश्तेदार नातेदार सबको मौका मिलेगा, इनको समझाया था फौज मत छोड़ो अच्छी है, फिर भी ये बोले बिजनेसमैन बनेंगे, देखो क्या हुआ। तो मेरे लिए ये जीने मरने का सवाल था। मैं रात में उठ के ऐसे कभी कभी नींद नहीं आती थी, देखता था कि ये जो बच्चे सो रहे हैं, जो पत्नी सो रही है, ये केवल इस भरोसे पे सो रही है कि मेरा पति है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, कमाएगा। तो मेरे लिए इतना था कि पूछो मत। जब आपके लिए इतना जरूरी बन जाएगा ये बिजनेस, आपका इतना स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगा, तो आप आराम से कर लोगे। 5वीं क्लास बच्चा भी जो पास है ना, वो आराम से रियल एस्टेट कर सकता है, बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं है। बट आपका ड्रीम बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन तो आएंगे। पहली एक हाँ सुनने से पहले मैंने 19 ना सुने थे। हर बार ऐसे होता था, सनत इतना भाग रहा है, क्या होगा क्या नहीं। कभी कभी किसी ने, क्योंकि मैं नया था, ये समझना है, नए में रिजेक्शन तो आएंगे ही। इतना आसान होता कि कोई भी आ जाए और जिससे भी बात करे सब खरीद ले, तो पूरी दुनिया यही कर रही होती, क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनते, क्यों मेहनत करते, सब रियल स्टेट में नहीं होते। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं नया हूं, मुझे सीखने की जरूरत है, रिजेक्शन आ रहे हैं, तो भागना नहीं है, मुझे अप्रोच बदलना है। क्विटिंग इज नॉट द ऑप्शन, तो वो चीज समझो। और मेरे पास पहली बात तो था ही नहीं दूसरा ऑप्शन, तो मेरे लिए मजबूरी थी। तो आप इसको बना दो कि मेरे लिए अब चॉइस नहीं है, बर्न द ब्रिजेस। वो नोज है ना प्लेन का, एक बार अप हो गया, टेक ऑफ करना है, उसके बाद अगर पायलट का मूड खराब हो जाए, रुको थोड़ा सा पार करूं, तो वो चॉइस नहीं है। आप क्या उस जगह पे लेके आए हो अपने आप को, फिर देखो रियल एस्टेट क्या इसका मतलब, आप भूल जाओगे, ऐसा चलेगा कि पूछो मत। पर जब तक आपके पास है, लेट मी ट्राई, यू नो कि अगर हो गया तो, नहीं तो वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ये कर लेंगे वो, फिर तो
तो मतलब फिर आप देख लो, ट्राई करो, यू नो, खाने का ट्राई करो, पेट भरा क्या किसी का? खाते हैं तब पेट भरता है। तो सेम चीज है, बिजनेस ट्राई करने से नहीं होता, करना है बस, खत्म। एक बार आ गए आप करके रहेंगे, इतनी दुनिया कर रही है, इतने लोग कर रहे हैं, हर तरह के लोग हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना? तो ये करना है, तो ये चीज समझना है। तो वाई, मेरे ख्याल से आप लोग ना ऐसे अपने टॉप के 5 रीजन लिखो जो बड़े इमोशनल हो, जो आपको चाहिए रियल एस्टेट से चाहिए। वो 5 अगर आपने लिख दिए, आपने 80% काम खत्म कर दिया। बाद में ये जो हाव है कि कैसे करना है, तो हम आ जाते हैं वो बेसिक पे। तो क्या आप लोग आज सोने से पहले तकिया जब सिर पे रखोगे, ये 5 चीजें आप लिख देना कि मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए, उसमें 2 होगी जो शॉर्ट टर्म, मुझे 6 महीने के अंदर 2 चीजें क्या चाहिए, 6 महीने से 1 साल में 2 चीजें, हो सकता है आईफोन लेना है, हो सकता है बाइक लेना है, वो इसी बिजनेस से। फिर 1 से 3 साल में 2 ड्रीम और क्या चाहिए, उसके बाद 3 से 5 साल में 1 ड्रीम, तो टोटल 5 हो गए। 5 सपने लिखो, 5 जगह लिखो घर में, जहाँ पूजा करने जाते हो, जहाँ बार बार टीवी देखते हो, जहाँ रेफ्रिजरेटर है, हम दिन में 3-4 बार जाते हैं, जो बार बार आपके सामने रहे आपके सपने। अगर मैं दिन भर टीवी देख रहा हूँ, क्रिकेट का एक एक बॉल देख रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मेरे सपने हैं कि मैं मल्टी दूंगा, आप कभी नहीं ले सकते। दिन भर मैं फेसबुक पे चैटिंग कर रहा हूँ, भाई आप जाके वर्ल्ड के किसी कामयाब आदमी को पूछना कि फेसबुक पे सर कितना टाइम बिताना चाहिए, अंडा 0, समझ गए? वो अपने जिन काम से काम कर रहे हैं, अभी वो विराट कोहली आके मैच खेल रहा है, मैं दिन भर देखते बैठा हूँ, तो कौन अमीर बनेगा? वो बनेगा। अब मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ और कोई आके मेरे को देखते बैठे सनक कैसे कॉल कर रहा है, मतलब वो बेवकूफी होगा ना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनको दिन भर देख रहे हैं, तो आपको ये बचाना है वो टाइम और अपने बिजनेस में लगाना है, तो बंद कर दो इसके बाद। ठीक है, ये था, अभी बेसिक पे आ रहे हैं हम लोग। तो पहला बेसिक है कि अगर आप बिजनेस में आ गए, दुकान खोल दी, तो क्या करना पड़ेगा, माल भरना पड़ता है दुकान में, ठीक है? तो इन्वेंटरी चाहिए आपको, तो आसपास के 5 से 50 किलोमीटर में जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए है, आप जाके उनको यू नो लेके आओ। या मान लो कि मेरे पास अभी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है, उसके पास जाके बैठूं, उससे उसके बारे में जानूं। उससे पहले मुझे है कि ये बिजनेस करना है, तो रेरा का रजिस्ट्रेशन करा लो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नहीं तो पता लगा बाकी सब बता रहे, तो वो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक से सीधा बता रहा हूँ, पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। और सेकंड चीज है प्रॉपर्टी निकाल लो, आपके पास कम से कम 200 ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके बारे में कोई क्लाइंट आए तो आप बात करो। तो मैं बोलता हूँ 50 रेंटल की हो, ज्यादा वो समान, मैं दोनों को क्लब कर रहा हूँ, पर ज्यादा अगर आज बात करेंगे तो अभी सीपी फॉर्म की बात हो रही, चैनल पार्टनर लोग बन रहे हैं, जो पुराना ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इतनी चीजें हो चुकी हैं, सोसाइटी के ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम, नो ब्रोकर आ गया है, मार्केट आ गया है, तो इसका फ्यूचर अभी डार्क है। अंदर ही अंदर सारे सौदे हो जाते हैं कि मेरे फ्रेंड को चाहिए रेंट पे, मेरे फ्रेंड को देना है, और ये सारा बिजनेस अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। एक टाइम पे माहौल हुआ करता था, अभी बहुत मुश्किल से, मतलब वहां पे, मतलब आज फ्लैट के लिए किराएदार कहीं मिल जाएंगे, फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। तो ब्रोकर के लिए, और जब 2-3 हैं और 20 लोग काम करने वाले, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, वो उसको खींच रहे हैं, वो उससे छुपा रहे हैं, वो उनका छीन रहे हैं, बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है कि चैनल पार्टनर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डर एकदम मस्त ऑफिस बना के बैठा है, एमबीए क्वालिफाइड आदमी वहां बैठा है जो आपको सेल्स करेगा, बस किसी तरह से आपका काम है, आपको बुलाना आना चाहिए। अभी रियल एस्टेट पूरा सिंपल हो गया है, किसी तरह से मेरे को 1 महीने में 1-2 क्लाइंट को पकड़ के बस बिठाते रहो, और वो आगे वाला बेचता रहेगा। अभी कोई भी काम कर सकता है इसमें, एकदम फ्रेशर भी आया, तो हमारे इंटर्न करने आए थे, वो बंदे बेच के निकल गए, उनको एक ही बोला था कैसे, तो भी जाके साइट पे बिठा दो एक आदमी को। अब वो कॉलिंग कैसे करोगे, वो बहुत सारी स्क्रिप्ट है, वो तो बताने में टाइम जाएगा, बट एक ही सोचो कि मेरे को कैसे भी जाके बिल्डर ऑफिस में कितने लोगों को बिठा दो, और उसके पीछे पड़ जाने का, फिर समझो नहीं पता लगा, तो ये भी है वो भी है, ऐसे दिखाते रहो, 4 आदमी को पकड़ोगे 1 क्लोज हो जाएगा, 10 क्लोज करना है तो x4 कर दो, 40 को अगर आप लेके चिपके रहोगे देन हो जाएगा। तो ये बेसिक एकदम सिंपल हो गया कि इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। जो रिसेल रेंटल करता है कहीं पे प्लॉट का, तो उनको ये जानना चाहिए आज पास में कहाँ प्लॉटिंग चालू है, उन लोगों से जाके मिलूंगा और जानकारी लूंगा, और उसके बारे में अपना एक सिस्टम में अपडेट कर दो। बहुत ज्यादा नहीं होता यार कि 2-4 लाख प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होता है। पूरे पुणे में, ईस्टर्न पुणे में बात करूंगा, तो हार्डली ऐसे 100-200 रिसेल में फ्लैट होंगे, जैसे विमान नगर में हो तो मुश्किल से 5 है 10 है, सेम खराड़ी, मतलब जो एरिया ये लोग जानते हैं, वहां होंगे 50-100, तो ये 200-250 फ्लैट है, 2-3 महीने में सब पता लग जाता है।
बस एक बार ये आपके हाथ में आ गया, देन आपके बस लीड जनरेशन है। तो क्या हो गया, दुकान खोली, दुकान में सामान भरा। ऐसा नहीं होता कि सामने वाला बोलता है साबुन दो फिर मैं जाता हूँ होलसेलर के पास। तो सेम है, कोई क्लाइंट आए तो मेरे पास होना चाहिए, ना कि उसकी रिक्वायरमेंट आई है मैं ढूंढने जा रहा हूँ। तो पहले से ढूंढ के रखो इन्वेंट्री। तो पहला है आपके पास इन्वेंट्री कर लिए। सेकेंड है, अब आपको कोई भी बिजनेस है तो एक खरीदार चाहिए, बेचने वाला चाहिए। बेचने वाला मिल गया, अब खरीदार कहाँ से आएंगे, सब कुछ ऑनलाइन। जैसे जाके वही वापस से आपने क्या करना है, कैंपेन रन करोगे डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक का, आप सीख लो। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत हाईटेक नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो वो आप सीख लो कि लीड जनरेट कैसे होगा। जो वर्ड ऑफ माउथ है उससे एक आध आ जाएगा तो काम नहीं चलता, या जान पहचान में धंधा करने से नहीं होगा। जैसे मैं एक होटल बिजनेस खोलूं और सोचूं मेरे रिश्तेदार केवल वहां कहेंगे तो मेरा होटल पहले दिन ही बंद पड़ जाएगा। आदर जब बाहर का लोग आके खाने लगेंगे तभी आपका होटल चलेगा। कोई भी बिजनेस स्ट्रेंजर जब आता है तब फिर वो चलता है। तो उसमें भी एक ऐसा है कि फ्रेंड्स का एक याद रखो कि किन लोगों से बात करना है। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स, क्या हो गया, ई फॉर इंजीनियर्स, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डॉक्टर्स, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। तो सारे फ्रेंड्स में से जो लास्ट है एस, वो सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि स्ट्रेंजर मेरी पूरी दुनिया है। जान पहचान के हर आदमी के 200 से 250 लोग होते हैं, पर स्ट्रेंजर मेरे लिए दुनिया है। तो मुझे स्ट्रेंजर के साथ जिस दिन बिजनेस आ गया उस दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा। पर ये जो फ्रेंड्स के पहले के लोग हैं ये मेरे को प्रैक्टिस करा देंगे। मैं अपने कजिन ब्रदर से बात करूंगा, वो बोलेगा ये महंगा है, ऐसे है। तो उसके जो ऑब्जेक्शन होंगे वही कॉमनली रहते हैं, चार पांच ऑब्जेक्शन रहते हैं, उनके आंसर करना सीख गया आप मास्टर हो। कि महंगा है ये सभी बोलने वाले हैं। अभी उसके कैसे आपको आना चाहिए कि कन्विंस करूं महंगे को लेके। पर मैं अभी सेकंड पे आ जाता हूँ। तो पहला बेसिक क्या है ये जान जाओ, प्रॉपर्टी निकालना है, डेटाबेस बनाना है। सेकंड है लीड जनरेट करना है। तो ये दोनों की मतलब एक ही मैं काउंट करता हूँ कि डेटाबेस होना चाहिए प्रॉपर्टी का एंड क्लाइंट का। तो पहला डन हो गया। सेकेंड है कॉन्टेक्टिंग एंड इन्वाइटिंग, लिख के ले लो ये चार बेसिक। पहला डेटाबेस, बायर का सेलर का हो गया। अब इन दोनों से बात करके इनको बुलाना चाहिए साइट पे, प्रोजेक्ट पे या फ्लैट पे देखने के लिए। उसमें अच्छी स्क्रिप्ट आपको यूज करनी चाहिए। इसके लिए आप वीडियो देखो, खुद के हिसाब से कॉल करोगे, सर एक घर है ले लो, ऐसा कॉल करूंगा कोई नहीं आने वाला है। एक अच्छी स्क्रिप्ट बताओगे, शॉर्ट रखो। एक याद रखो कि क्यूरियोसिटी अप्रोच रखना है, सब कुछ फोन पे नहीं बताना है। 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर कॉल खत्म कर देना है। 1-1.5 घंटे तक फोन पे बताओगे उसका इंटरेस्ट चला जाता है, सब कुछ जानने के बाद मजा नहीं रहता। थोड़ा सा ऐसा ट्रेलर देना है, उसके बाद उसको बोलना आंखें मिलो, ये स्मार्टली। तो वो एक ज्यादा टैलेंट जो चाहिए, प्रॉपर्टी निकालने में कुछ नहीं लगता है। बिल्डर लोग बैठे हैं उनके ऑफिस में जाके आपने लिया, 10 प्रोजेक्ट पे गए तो आपको हो गया इन्वेंट्री। पर टैलेंट चाहिए अभी पहली जगह, वो है कॉन्टेक्टिंग में। तो कॉलिंग में बहुत एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि आपको बुलाना आ गया तो नंबर का गेम है बाकी। क्योंकि 10-20 लोगों को आप साइट पे बुला के बिठा देते हो, उसमें से नंबर 20 में से 1 लेता ही लेता है। कितना भी खराब प्रेजेंटेशन करो, कैसे भी करो, उसको झूठ बोल के ले गए, क्या कैसे लेके गए पता नहीं। बोलना चल पार्टी देता हूँ आके, इधर इधर पहले भी, फिर बोलेगा रास्ते में थोड़ा इधर मेरा काम था, और फिर वो जाएगा तो बोलेगा अरे इधर क्या है, ये बिक रहा है, ये क्या है। वो कैसे भी करके एक टारगेट लो कि हर रोज एक क्लाइंट को, जैसे हम हर रोज मतलब अभी मेरे समझे दुकान है, ये बिजनेस खोला, अगर मैं शटर अप नहीं किया जिस दिन मेरा कोई एक विजिट नहीं हुआ, समझो मेरा शटर ही नहीं उठा। और महीने में मैं 2 विजिट कर रहा हूँ, मतलब 28 दिन तक मेरा धंधा बंद है, तो मैं तो फेल होना ही है। मेरा काम है कि 30 में से 30 दिन मेरा दुकान खुले। दुकान खुले का मतलब है एक तो विजिट कर रहा हूँ मैं, वो टारगेट लो। पर एक का रखोगे तो एक नहीं होने वाला, एटलीस्ट 2-3 का प्लान करोगे तब एक आता है। मेरे साथ भी होता है, तो मैं 2-3 का रखता हूँ तब जाके कोई, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, मैं घड़ी देख रहा था। तो दो फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, या मैं चालू एक साइड से सब बैठे हो एकदम, सही बताओ, पहले कुछ सर करो। परफेक्ट है। आवाज ठीक है, आज यस सर। मेरा उपवास भी है मंडे का, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। सोचो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता लाइफ में यार, और मेहनत करना बोलते हैं प्रिविलेज है, प्रेशर इज प्रिविलेज, ऑलवेज रिमेम्बर। अगर आपको है प्रेशर तो आप किस्मत वाले हो, आप ऐसे निकम्मे पड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं है तो वो कोई अच्छी बात नहीं। तो थैंक गॉड कि हम प्रेशर में। गुड, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग। मैं अगर नॉर्मल ऐसे स्क्रिप्ट की बात करूं, जब कोई मेरे से, अगर मैं किसी को दिखाता हूँ प्रॉपर्टी तो मैं, मुझे लीड आई होती है 99 मैजिक ब्रिक्स से, तो मैं ये कॉल करता हूँ कि सिंपल है कि मैं पहले विश करूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा,
ठीक है, फिर मैं पर्पस की बात करूंगा, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग होगा। तो जैसे मैंने किया एक सिंपल गुड मॉर्निंग सर, विश हो गया, मेरा नाम सनत है, मैं इस प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ। सर मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि आपकी एक इंक्वायरी आई थी, आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ ही बोलेगा क्योंकि लीड आई हुई है, यस मैं देख रहा हूँ। फिर मेरा ज्यादा क्वेश्चन मैंने पूछना है, उसको बोलने को लगाना है। ऐसे ना हो कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बोल रहे हो, वो पूछ रहा है तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, कितने में मिलेगा, कितना निगोशिएट होगा, कितना ब्रोकरेज लोगे, तो समझो कॉल गलत जा रहा है। स्क्रिप्ट की ताकत ये रहती है कि ऑलवेज आप कंट्रोल इज इन योर हैंड, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। आप इतने तो मास्टर हो जाओ, तो मैं अगर वो मुझसे पूछ भी लेगा कि आपके पास कितनी ऑप्शन है, तो मैं हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से देना चाहिए। सर आप कितने ऑप्शन देख रहे हैं? नहीं, कितने में मिलेगा? सर आपका क्या बजट है? कौन कौन से लोकेशन है? आप कौन सी लोकेशन में देख रहे हो? ऑलवेज क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन होता है। मैं कुछ नहीं बोलता, एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ, फिर भी मतलब थोड़ा सा कहीं ऐसे ना लगे कि यार ये क्या है, मैं बड़ा उसको नॉर्मल पिच में ही ले जाता हूँ। फिर मैं मेरा कोशिश आउटकम एकदम क्लियर है कि मुझे इसको विजिट पे बुलाना है, ना कि फोन पे सेल करना है। ऐसा कहीं ना लगे कि आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है ना सर, आप आ जाओ। और मान लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर वो बोलता है 75 में होगा क्या, तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं सर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना सर, आओ ट्राई करते हैं, मेरा काम है कैसे भी बुलाओ। जब वो आता है ना, वो सब बजट भी बढ़ा देगा। उसको लेना क्या था और लेके क्या जाता है टोटल डिफरेंट रहता है। हमेशा याद रखो, कस्टमर हमेशा झूठ बोलेगा, उसको झूठ भी नहीं बोलते, वो रियल चीज नहीं बताएगा। रियल चीज 3-4 क्वेश्चन के बाद निकल में आती है कि क्या बजट है, कौन सा लोकेशन है। वो सोचता है अगर मैंने पूरा बता दिया तो फिर मेरे को महंगा, तो वो सोचता है कि मैं कम बताऊं। बेचने वाला भी, उसको बेचना है 1 में, तो बोलेगा 1.25 तो चाहिए, है ना, होता है ना। तो मुझे ऐसा नहीं हो कि बोलूं 1.25 तो कभी नहीं मिलेगा, आपको मालूम नहीं है मार्केट में क्या है, ये तो अभी इतने में गया। मैं बोलूंगा ठीक है ना सर, ट्राई करते हैं ना 1.25 का, ठीक है एक क्लाइंट आ रहा है दिखाते हैं, और देखना वो बेच देगा। अब जो अनाड़ी लोग हैं वो बोलेंगे 1.25 बोला तो दिखाओ ही मत। समझो मेरा एक क्लाइंट है, उसने 80 बोला था, मेरे पास 1.25 की प्रॉपर्टी थी, तो क्लाइंट को मैं वो दिखाना चाहिए क्या? लिखो लिखो, 1.25 में बोला था बेचने वाले ने, और मेरे को क्लाइंट बोल रहा है मेरे को 80 का बजट है, तो मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? देखो उधर, हंड्रेड परसेंट मेरे को 50 लाख का भी है, और उसने 1.5 करोड़ भी बोला है ना, तब भी मैं दिखाऊंगा। काहे वो दिमाग लगाने का, अपने घर का क्या गया है? वो उसका पेट्रोल डालेगा, उसका टाइम डालेगा, इधर आएगा बोलेगा ये क्या दिखा दिया? अरे बोलना सर ये भी देख लो कौन सा पैसा लगता है, और भी दिखा देंगे, कोई मारता नहीं है। आप बुलाने का, मेरा काम क्या था? एक विजिट कराना, मैं कैसे भी करा देता हूँ। बस 10 लाख का विजिट है, 50 लाख की प्रॉपर्टी, मेरा विजिट हो गया, डन, आई एम डन। मैंने अपना शटर अप कर दिया, सारा सीक्रेट है विजिट पे। परफेक्शन से कुछ नहीं होता, एकदम परफेक्ट। मैं लिस्टिंग भी कुछ भी फेक भी डाल देता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट डाल रहा हूँ, कुछ भी फोटो भी कुछ भी सब डालो। आप हमेशा गलतियां करके ज्यादा बिजनेस करोगे। बहुत एक्यूरेट वाला, एकदम सत्यव्रत, ईमानदारी से बात करूंगा, सब एक्यूरेट बताऊंगा, वो बैठा है आज तक, उसका कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो एक ही सोचता हूँ, मेरे को एक बात समझ में आई थी, मेरे को विजिट रोज का एक कराना है, वो मैं कराऊंगा, तो कभी खाने के वांदे नहीं रहेंगे। अगर 30 विजिट महीने में करा देता है कोई, वो बोल के दिखा दे कि मेरा नहीं बिका, नाम बदल डालूंगा। 100% डील होना है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई 50 कंटिन्यू नो सुन के दिखा दे, 50 नो एक लाइन से। एक मेरे को फोन किया कि सर मैं बहुत कर रहा हूँ, आप में से भी होगा वो, मैं मेरे को याद नहीं, इतना कर रहा हूँ ये है मेरा नहीं हो रहा है, तो मेरा एक ही रहता है जवाब, भाई 50 ना सुन के दिखा दे, मेरे को 50 नो सुन के दिखा दे वन शॉट में। क्या एक भी यस नहीं बोलना चाहिए? कितना खराब करना है प्रेजेंटेशन कर कि 50 लोगों से मैंने प्रॉपर्टी दिखाई नहीं लिया। देखना 10वां ले लेगा, 25वां ले लेगा, 40वां ले लेगा, लेकिन 50 नो वन शॉट में होते ही नहीं है। सेलिंग के लाइन का सबसे बड़ा मंत्र आज बता दिया, इसको नोट करो। कभी लगे ना मेरा कम ज्यादा हो रहा है, आप अपने आप से, कि सनत भाई ने बोला था 50 नो सुन के दिखा दो, मैं सुन ही देता हूँ, 50 लोगों को विजिट कराऊंगा, और 50 के 50 ना बोलने चाहिए, इम्पॉसिबल है, ये धरती पे हो नहीं सकता। आप करो 100%। ऐसे ऐसे लोग आते कि तैयार ही थे, पक्के पकाए थे, उसको खाली जाके बिठाया, फॉर्म भरा, किसके नाम पे चेक दू? कोई कोई है दिमाग का दही कर दिया, 6 महीने से बोल रहा आज करता हूँ, बस मेरा रेडी है, मेरा ये है, वो 6 महीने 1.5 साल से भी नहीं किया। हमको कुछ पता नहीं है, मैं काहे को अंतर्यामी बनूं? मेरे को ये पता है मेरे को रोज एक आदमी बिठा देना है, डन, रोज मेरा शटर अप डाउन करना है। तो बस दिमाग लगाने का नहीं, नंबर का गेम है, उसमें रहो।
जितनी भी कंपनियां चलती हैं वो सब लॉ एवरेज पे काम करती है कि अगर इतने लोग 100 लोग सिगरेट पिएंगे उसमें से 5 को कैंसर होना है, लेकिन वो 100 में से बता नहीं सकते ये रमेश सुरेश आकाश इनको होगा, हमको पता नहीं, उनको पक्का कर रहता है 5 है तो इनका क्लेम देना पड़ेगा, बाकी इतना और हम इतना पैसा बनाएंगे। सिंपल सेम, अगर आप इतने लोगों को जैसे ताश के कार्ड रहते हैं ना 52, उसमें 4 इक्के भी होते हैं, आप सबको पलटी करोगे 4 इक्के मिलेंगे, किसी को पहला मिल गया लकी था, किसी को 10वां मिल गया, 4 इक्के लास्ट में मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। तो आप 52 लोगों के साथ काम करो, आपको 4 लोग मिल जाएंगे जो आपका बाय करेंगे, पर आपको पता नहीं वो कौन है, तो आपको एक्साइटमेंट बना के रखने का है। समझो 40 ना सुने तो 41 पता नहीं यार इतना मेहनत किया कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वो एक्साइटमेंट पहले जैसा होना चाहिए, भले एक तिलर एकदम फायर्ड अप एक्साइटेड, एक्साइटमेंट इज द की। मैं ये वीडियो भी बनाता और ऐसे बोलते रहता 4 आदमी ऐसे करो, तो आप सब सोते, बोलो चलो भाई कब खत्म, चलते हैं, पर जोश से फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको सेल करना है ना, कितना नॉलेज है मैं कभी नहीं बोलता, गलत सही बोल बाबा तू, एकदम एक्साइटमेंट देखता है क्लाइंट, एक्साइटमेंट में जादू है, बहुत पूरा इंफॉर्मेशन है समझ, हाँ यहाँ पे। और अगर इंफॉर्मेशन से नॉलेज से बिकता तो भाई बिल्डर ने इतना बड़ा ब्रोशर दिया है, उसके बहुत सारे कोलेटरल दिए, उसमें सारे साइज टाइल्स कौन सी रहेगी, एमिनिटी क्या रहेगा, सब तो लिखा है, वो पकड़ा दे ब्रोशर, सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, वो क्यों नहीं खरीद लिया भाई, ये कब खरीदा, वो दिखाने वाला कौन था, वो एक्साइटेड था क्या, तो फर्क क्या है, एक्साइटमेंट का है, ये चीजें समझो, समझ गए ना, लॉजिक आ गया ना दिमाग में। अगर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई खरीदता तो सारा तो मैंने पकड़ा दिया उसको, सब कुछ है उसके अंदर, पूरा लिखा है लोकेशन, ये कॉस्ट शीट फलाना ढेमका, फोटो एंगल बदल बदल, एवरीथिंग इज देयर, क्या जरूरत है ब्रोकर की, ब्रोकर खाली एक्साइटमेंट पे बेचता है चीजें, याद रखना। कई बार क्लाइंट को लगा भी गलत है ना, तब भी उसको मजा आता है, कि बोरिंग आदमी के साथ कोई 2 मिनट भी नहीं रहना चाहता, आई एम टेलिंग यू, बोरिंग आदमी मतलब अभी ये तो मजबूरी है जूम पे, पर सामने तुम लोग बैठे रहते हैं और कोई ऐसा रहता, मैं उसको खुद बोलता जा बाबा तू यहाँ से ना, जोश जोश से फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं अभी धरती पे नहीं होता अगर मेरे पेरेंट्स एक्साइटेड नहीं होते कभी, कुछ भी दुनिया में होने से पहले एक्साइटमेंट लगता है, इस लोगों को ही समझाए, ठीक है जोक था वो। खैर तो आपको वो चाहिए कि नॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए, बट जोश बहुत फर्क पड़ता है, तो आप एक्साइटेड हो। तो क्या है, पहला बेसिक था डेटाबेस बायर का सेलर का, सेकंड था कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, फोन कॉल में मास्टरी करो, थर्ड है विजिट शो द प्रॉपर्टी एसटीपी, ज्यादा बोलने का नहीं यहाँ कहाँ पे भी, समझो मैं विजिट कराने जाता हूँ तो ऐसे नहीं कि बड़ 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 बड़, क्योंकि अपने को रोज का काम है इतना, बड़ एक मिल गया क्योंकि कोई क्लाइंट मिलता नहीं है, अब ये क्लाइंट कोई पूरा चालू है 2 घंटा 3 घंटा, उसको चाय पी सुन ये वो इतना, मतलब एक आदमी एक दिन में इससे ज्यादा नहीं झेल सकता, 5 10 15 मिनट, पर तू पूरा जितना आता है 10 साल का नॉलेज देने लगू उसको, देने लगू वो बोलेगा भाई बस मेरी जान छोड़ो, थोड़ा सा जो पूछे उतना बताओ, इतना समझदार है, जो करोड़ की प्रॉपर्टी लेने आया है, आप कोई आलू और बैगन नहीं बेच रहे हो कि अच्छा बोल के भेज दोगे भाई, वो जिंदगी भर की कमाई लगाने, उसने गूगल भी किया है, उसने बाजू वाले से पूछा है, 5 ब्रोकर से भी बात किया है, बिल्डर से भी बात किया है, सब कुछ उसको मालूम है। आजकल के जो क्लाइंट है ब्रोकर से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो कुछ भी गलत बिलत फेंका फाकी करके बहुत बोलने की कोशिश मत करो, उल्टा वो पकड़े जाओगे। मैं क्या करता हूँ कभी कभी, मतलब ऐसे मेरे को जानना था कि कैसे काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, और मुझे तो मैंने ऐसे ही ना फेक ऐसे खुद क्लाइंट बन गया कि पूरा सिस्टम डिकोड करते हैं, तो प्रॉप टाइगर की बात है तो उनको कॉल किया कि मेरे को प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो उनका कॉल बैंगलोर में लैंड हुआ, फिर उसने एक बंदे को भेजा, तो मेरे को प्रोसेस पूरा सीखना था कि मैं अपनी कंपनी डालूंगा चैनल पार्टनर बनूंगा तो जो सबसे सक्सेसफुल कंपनियां हैं उनका कट कॉपी पेस्ट, आपको सक्सेस का ना रीइन्वेंशन नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे 80 साल में, मतलब अपनी गलतियों से सीखोगे पागल हो जाओगे, बॉम्बे का एक हाईवे ऑलरेडी बना हुआ है, एक्सप्रेसवे बना हुआ है, मेरा काम है कि भाई टोल दे और उस पे कार पे चल, पर मैं सोचू अभी कल से मैं अपना एक रास्ता बनाऊंगा, पता लगा कि खरकी गया या लोनावाला से वापस भाग के आ गया, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा यार अपना रास्ता बता दे, तो मैं मेरा काम है स्मार्ट है भाई, टोल दिया भगाया गाड़ी नॉन स्टॉप 200 150 की स्पीड, काम खत्म, काम
को दिमाग का दही। और तो ये मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि मतलब अभी तुम लोग को आगे बढ़ना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पे करो, सीखो और उसी को आगे बढ़ाओ, रीइन्वेंट मत करो, नहीं तो आपकी फेलियर गारंटी है बाबा। इसीलिए 100 लोग आते हैं, 88-90 लोग चले जाते हैं, वो रिवॉल्विंग डोर हो गया, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे हैं, ब्रोकर के नए नए बोर्ड लगते हैं, बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये अहमियत पता नहीं, वो अपनी गलती कर करके सीख रहा है, तो खुद का टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा और 3 महीने बाद बोलोगे भाई हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं चलता। अबे ये चलता है, इतने लोग चल रहे हैं, तेरा नहीं चलता, तू देख क्या गलती कर रहा है। सीखने का, और कोई जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको कॉपी मारने का। मेरे को गिटार है, मैं जाके आज लेके टांग टून करते करते सोचू मैं सीख के रहूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे को गिटार नहीं समझ में आएगा। स्मार्ट काम क्या है, एक मेंटर को ढूंढ लिया, गिटार ले लिया और जो उसने बताया वो किया तो सीख जाऊंगा क्या नहीं? हेलो। पर यस मैं, सर, हाँ, तो ये जरूरी है, आपको कामयाब बनना है ना लाइफ में, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक गुरु चाहिए, आप सीखने को तैयार चाहिए। आपको रियल स्टेट मिल गया, सना ठाकुर मिल गया, आपकी सक्सेस गारंटी है। बट वो जो बोलता है वो करने का, नॉलेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बहुत नॉलेज है, बोलने का बहुत नॉलेज है, उसको अप्लाई कर, वापस जाके काम कर, एक्शन में डाल, नहीं तो नॉलेज नॉलेज बेकार है, बहुत नॉलेज थी। हाँ, हम कहाँ थे? क्वेश्चन आंसर कर रही, मैंने जाना है सीरियसली। यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने भी, अब आप लोगों ने बहुत बात किया होगा, यू नो, और पानी प्रॉब्लम बता रहे थे कब विद अस, टाइम करता है उसको थैंक्स। वो लोग बैकग्राउंड में बेचारी बहुत मेहनत करती है, एक बार कैमरे में आने को बोले क्या उसको? नहीं आना चाहती वो, तो शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। शुरू है, एक जो यूट्यूब वीडियो बनाता है, सारी सेटिंग करता है, तो काफी लोग हैं। कई बार है ना, ये पेड है, ये पैसे में सनत, मैं एक पैसा आज तक ना यूट्यूब का रखा हूँ ना इस ट्रेनिंग का रखूंगा, आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। मुझे ये ज्ञान ना बांटना नहीं है, मैं बहुत रियल स्टेट से कमा लेता हूँ, पर ये है कि मुझे जेब से नहीं देना, और आप लोगों को भी वैल्यू आनी चाहिए, यू नो, मुफ्त की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब हम लास्ट आते हैं, 3 है, प्रॉपर्टी विजिट कराने चले गए, वहां पे शांत रहो, उसको देखने दो, जब वो पूछता है तब आंसर करो, कुछ चीज वो जानना चाहता है तो। वो सिंपल है, प्रॉपर्टी विजिट कराने में कोई बहुत ऐसा स्मार्ट नहीं चाहिए। एंड फॉलो अप वापस से बहुत तगड़ा रहता है, एक कॉलिंग में अच्छे बनो, 4 ही बेसिक है, और दूसरा है फॉलो अप में बहुत तगड़ा। अच्छा, हाउ टू वर्क पॉप टाइगर, अच्छा मैं बीच में छोड़ दिया, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने उसका पूरा समझा। अब भाई आ गया मुझे, उसने फॉर्म वॉर्म भरा है, मैंने फॉर्म वॉर्म देखा, फॉर्म के फोटो वीटो लिए। स्मार्ट काम क्या है, कॉपी करना बाबा, नकल मार के अगर आपको पास होना है तो इजी है ना। क्यों मैं मेरा दिमाग से पढ़ू रट्टे लगाऊ, तो मैं स्मार्ट हूँ, मेरे को पढ़ाई विढ़ाई में पहले से सबसे बोरिंग काम स्कूल से ही लगता था, मतलब कि क्या पढ़ने का दिमाग का था। और रियल लाइफ में कुछ काम भी नहीं आया, वो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कब लड़ाई हुई, पानीपत का युद्ध था, बाद में तो लगा इसको कोई पूछता ही नहीं है, और मार मार के ये पढ़ा रहे, इसलिए तो फेलियर हो रहे हैं लाइफ में। एजुकेशन बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई यूज ही नहीं है। मेरा तो बहुत बुरा हाल था पढ़ाई में, और इसलिए फौज में चला गया, 17 एज में मैं आर्मी ज्वाइन की, पढ़ाई छूटी बस इसलिए। खैर, प्रॉप टाइगर का क्या हुआ, फिर मैं गया एक प्रोजेक्ट पे, वो लेके गया पूरा सिस्टम की कैसे, और बराबर वो 10 मिनट पहले जैसे मैं गाड़ी से उतरा, वो हेलो सर मेरे को वेलकम किया, देन उसका जो सैंपल फ्लैट है वहां पे लेके गया, फिर उसके जो यू नो रिसोर्स मैनेजर था मिला, उसका परफेक्ट सब कुछ अच्छा रहा उसका, मुझे अच्छा लगा। फिर वो यू नो उसके साथ और बात करने लगी, उसने 2 जगह मिस की। एक तो उसने कस्टमर का प्रोफाइल नहीं समझा, कि जैसे वो थोड़ा सा होमवर्क करता कि सनत ठाकुर कौन है, तो वो जान जाता कि ये तो खुद मास्टर है साला, ये तो खुद ये जानता है, तो वो अलग ढंग से हो सकता मैं लेना भी चाहता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जब मेन उसके बॉस से मिलाने गया, कोल्टेपाजी कोरियर था, उसने देखते ही वहां के 2-3 लोग सब देख रहे हैं, ये तो सनत ही है, सनत ही है। और मेरे को पता नहीं, कोई डायरेक्ट आके बात नहीं किया, मैं बैठा ऐसा कस्टमर बन के। उसने बोला एक बात बताओ सर, आप यू नो ऐसे हो? हाँ। बोला मैं आपका वीडियो देख देख के सीखा हूँ मैं सेलिंग क्लोजिंग, मैंने बोला था तेरी की सब पचका बड़ा हो गया दादा। और ये बंदा साथ में बैठा है, वो मेरे को कभी देखे कभी उसको देखे, ये तो हमारा एकदम मेन बॉस से मिलाने आया है। और तब तक ने इसने जो फेंकना था वो फेंक दिया, कूल थी जगता साहब, जानते होंगे कौन सा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 300-400 एकड़ का, वेस्ट में है, लाइफ रिपब्लिक कुछ तो लाइफ बोलते हैं। रिपब्लिक, लाइफ हाँ यार, रिपब्लिक फेस्ट वन से राइट मार के,
फायर ब्रिगेड का भी ऑफ था उधर, क्या कमर्शियल भी था उसके अंदर, तो वो 10th तक स्कूल थी मेरे ख्याल से, उसने 12th बोल दिया एक दो जगह, एंड देन मैंने वो मार किया कि क्या जरूरत थी यार, सब मैं एकदम कन्विंस था, और छोटी छोटी फिर मुझे एक झूठ मिल गया ना, तो मुझे लगा हर जगह इसने फेंका रहेगा, बड़ा बड़ा के बोला है, मैं बहुत उल्टा जितना है उससे थोड़ा कम बोलता हूँ, और वो अगर चेक करने जाएगा ना, बोलेगा यार ये, अगर मान लो मेरे से कोई सब्सक्राइबर पूछ ले और मेरे हैं कि यार यू नो 95 है, तो मैं बोलता हूँ 90 90+ है, और वो देखता है तो उसको लगता है छोटा है, पर 95 वाला 1 लाख बोलेगा ही बोलेगा, एक आदत रहती है कि लगभग 1 लाख है, मैं नहीं बोलता, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिस्पेक्ट तब भी करता है उसकी, तो ये मतलब वहां पे मैं ऐसे याद आया कि क्या है कि बहुत बोलने वाला ना ज्यादा बोल जाता है एक्साइटमेंट में, तो कम बोलने का, और प्रोफाइलिंग अच्छे से कस्टमर को समझ के लेने का, कौन आ रहा है, कहाँ जॉब करता है, डायरेक्टर है, इसका बजट कितना रहेगा, कैसी सोच है, ऑफिस कहाँ पर है, पहले कहाँ पे रहता था, देन आप काफी कुछ समझ पाओगे तो बराबर चीज बोलोगे, तो वो थोड़ा ध्यान देने का। तो ये आ गया आप फॉलो अप, चलो जल्दी हम खत्म करते हैं। फॉलो अप में एक ही चीज है यार कि फॉलो अप जैसे ही आपने यू नो दिखा दिया प्रॉपर्टी, उसको पसंद आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं ले लेता है, हमको तो लगता है कि बस देखते ही ये टोकन दे दे, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त, इतना बड़ा पैसा लगा रहा है वो, तो उसको टाइम देने का, मैं थोड़ा सा फ्री करता हूँ, मेरे को मैक्सिमम लोग जो खरीदते हैं ना वो बोलते हैं ये अच्छा लगा कि आप फोर्स नहीं करते, ऐसा नहीं लगता कि इसको तो क्या, ये तो ब्रोकर ये तो सब बेचना चाहता है कि कितनी जल्दी बेच दे, आ गई है क्या नीता, आ गई है क्या, देखो तो मैं मीटिंग चाहिए तो मैं आधा घंटे बाद वापस आ जाऊंगा, बट एक बंदी आ गई है, अगर उसको आई थिंक नहीं मीता नहीं है, रुक जाए, ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं, फास्ट करता हूँ थोड़ा सा, तो क्या करना है, मैं उसको विद इन 48 जरूर फोन करूंगा कि सर आपने कल जो प्रॉपर्टी देखी थी कुछ सोचा क्या, ये जरूर करूंगा मैं, क्योंकि उसके बाद कर रहा हूँ मैं, एक हफ्ते उसको याद ही नहीं रहेगा सनत कौन कौन सा प्रोजेक्ट, वो इतनी जगह गाई गड़बड़ में नहीं एक बार में उसके दिमाग में आता, तो 24 में करूँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 48 आवर के अंदर कॉल जाना ही चाहिए, नहीं तो आपने मिस कर दिया उसको, अब वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं सनत वो तो बहुत महंगा था, वो नहीं जमा, वो वाला क्या है सर, नो प्रॉब्लम सर, और दो ऑप्शन है मेरे पास, रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमिडिएटली तो प्रकट नहीं हो जाएगा देखने के लिए, उससे टाइम दूंगा तो बोलो ठीक है और ऑप्शन है तो तू परसों आ जा देखने के लिए, परसों तक में मेरे पास टाइम है और अरेंज करूँ कुछ, अब एग्जैक्टली नहीं भी मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है एंगेज रख रहा हूँ उसको मैं, नहीं तो वो दूसरे ब्रोकर के पास जाएगा, बिल्डर के पास जाएगा, इधर जाएगा, एक आदमी है उसके पास, मेरे को मालूम है दिन में 1 2 घंटा टाइम मिलता है, बिजी आदमी है वो, 2 घंटा मैं पर खड़ा रहूंगा उसको, तो थका थका के आप उन बेचते हैं, ये याद रखो, अभी देखो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे शेर शिकार करता है ना हिरन का, तो बहुत सारा झुंड रहती है, उसमें से एक देखता है जो उतना अलर्ट नहीं है, या जो बच्चा है उसको उतना पता नहीं है, वो थोड़ा साइड में रह जाता है, तो ये जाके और तुरंत दौड़ना नहीं चालू करेगा कि दूर से देखा इधर हिरन है, एकदम नजदीक झाड़ियों में वो उसके रेंज में लेके आता है उसको, एंड फिर अटैक करता है, अब अटैक करता है जब उसके ऊपर दौड़ता है, तो हिरन भी उसकी तो जान आई हुई है, आफत है, वो बहुत तेज भागता है, अब इस दौरान वो जब भागते रहता है और हिरन भी आते हैं उसके नजदीक, पर वो उनके ऊपर नहीं भागता दूसरे के ऊपर, क्यों, क्योंकि अगर वापस दूसरे के पीछे लगेगा वापस थकाएगा इसको इतना ही, तो शेर थक जाता है बहुत जल्दी, तो एक को ही फोकस करके उसी के पर ही जाके पकड़ता है, भले उसके नजदीक में दूसरा आ जाए वो कभी नहीं मूड बदलेगा, तो अपना काम है उसके एक पकड़ लिया, जेन्युइन आदमी है, लोन अप्रूवल करके रखा है उसको, ये है समझ गया उसको, चिटक जाओ यार, एक भी महीने का बेचने जाओगे तो मेरे को 1 2 लाख कम से कम मिलता है, जो कि जो इंडिया की ना 0.01% आबादी है उतना कमाती होगी, एक क्लाइंट 30 दिन में पीछे पड़ के बेच दिया तो, और वो टाइम पे उससे रिलेशन खूब बिल्ड करने का, ट्रस्ट बिल्ड करने का, दोस्ती बनाने का बिजनेस है ये बस टोटल, अब मेरे पास कोई मेरा दोस्त आएगा तो डाउट करेगा क्या, जो मैं बोलूंगा लेगा, सब कोऑपरेट करेगा, तो मैं दोस्त ही बना लेता हूँ उसको, हमने किसी को भी तो जिंदगी में एक दोस्त बनाया ना, सभी के होंगे, वो कैसे बने, पैदा होके तो कोई दोस्त नहीं आया था, हमने बाद में जिंदगी में दोस्ती की, तो वही चीज है, आप बिजनेस में दोस्ती करने के अगर पैसे मिलते हैं एक दोस्त बनाने का 1 लाख, तो कितने दोस्त बना सकते हो, और क्या फंडा है दोस्त बनाने का, सामने वाले में रियल इंटरेस्ट लो, उसके फायदे के बारे में सोचो, मैं जब भी बात करता हूँ कस्टमर से मेरा फोकस उसके ऊपर रहता है, आपको घर सस्ता दिलाना है, पेपर वर्क सही होना चाहिए, स्मूथली सब अच्छा हो जाना चाहिए लोग, तो मैं फोकस उस पर कर रहा हूँ, आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मेरे अपने लिए नहीं, मैं जी जान से आप लोगों पे फोकस करके बता रहा हूँ, आपसे मैं कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जीरो एक्सपेक्टेशन है, पर खाली यहाँ से जो आदमी जाए 2 आदमी का भी 2 डील महीने का बढ़ जाता है, मेरा ये मेहनत सफल हो गया, जब आप ऐसा कर रहे हो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप सबको अच्छा लग रहा है सनत,
लगता है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है यार, ये इस पे भरोसा कर सकते हैं। सेम वो क्लाइंट आपको देखता है, जी जान से उसके बारे में सोचो यार, आपके पास उम्मीद लेके आया है। और मैं ही अगर अगर चौकीदारी चोर हो गया, मैं ही खाली सोच रहा हूँ मेरा ब्रोकर यहाँ 4% है, इसको ये चिपका देते हैं, भले वो थोड़ा सा फॉल्टी है इसका, मेरे को मालूम है डिफेक्ट है, तो लिटिगेशन है, तो मुझे कब भी ऐसा करोगे भगवान माफ नहीं करेगा उसको। मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मेरा भाई होता तो क्या करता मैं इसको, हाँ बेचने की कोशिश करता या उसको सही गाइड करता 2 पैसा, ऐसा सोचो। और वो समझ में आता है सामने वाले को, ट्रस्ट रिलेशनशिप ये बिल्ड करो, यही फॉलोअप है। और फिर हर मीटिंग में एक मीटिंग निकलनी चाहिए, जैसे आज मैंने दिखा दिया प्रॉपर्टी ठीक है, तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है सर कल शाम तक फोन करता हूँ, ऐसे नहीं दिखा के गाड़ी में बिठाया ठीक है सर बाय, सेटिंग मीटिंग आफ्टर मीटिंग, हर मीटिंग में से अगली मीटिंग निकली क्या। आज भी मैंने कॉल किया सर, देखा पसंद आया, उसने बोला नहीं ठीक है सर मैं कल फोन करता हूँ, कल दो प्रॉपर्टी, कल का निकला ही वहां पे। मेरा कभी नहीं होता, कभी मैं उस पर नहीं छोड़ता कि मैं बताऊंगा सर, कंट्रोल मेरे पास रहता है, सर आप कहाँ परेशान हो गए मैं आपको याद दिला दूंगा, फॉलो अप ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो भाई आप लोग क्वेश्चन पूछो, ये हो गए 4 बेसिक यही है। पहला आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए प्रॉपर्टी का, बायर का। सेकंड है आपको कॉल करके इनवाइट करना आना चाहिए, थर्ड है आपको प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए, फोर्थ है फॉलोअप देना चाहिए। ये मास्टरी जिसने कर ली वो चाहे जितना पैसा कमाएगा, करोड़ों अरबों, ये हीरे की खान है रजिस्टर, पर इसमें मास्टर होना पड़ेगा। कॉलिंग है 10, 10 तरह से करेंगे, कौन एकदम एक्सपर्ट जैसे कॉल करता है। ठीक है I'm done. Ask your question. कि कभी भी मीटिंग खत्म हो सकती, कोई आएगा तो हम इसको जितना जब भी टाइम मिलेगा मैं टाइम पूरा निकाल कैसे जनरेट होते हैं सर? लीड जैसे आपने बोला है 99 acres का है। देखो तमाशा देखो, 99 कॉमन फ्लोर मकान, नहीं उसमें वो पैकेज लेके उसमें हमारे इन्वेंट्रीज डालने होंगे क्या? ऐसे ऐसे होता है? मैं आपको लिस्टिंग की आप लिस्टिंग करोगे बस वही। अच्छा, और ये एक होती है और दूसरी होती है वो जो हम खुद जो फील्ड पे उतर के ये टू लेट के जो भी बोर्ड होते हैं उधर पे जाके हम बोलेंगे हम ऐसे आपका काम करेंगे, तो उसका अग्रीमेंट वगैरह वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा? एक क्वेश्चन हो गया लीड वाला, आगे का लेते क्योंकि अपने पास 5-7 मिनट है, फिर हाँ आप ठीक है ठीक। एक-एक फटाफट थोड़ा बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है, प्राइमरी में अगर किसी का लैंड एक्विजिशन होता है या फिर प्रोजेक्ट नया स्टार्ट होने वाला है, वो पहले कैसे मालूम करे सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर मार्केटिंग कैंपेन पहले से स्टार्ट करें हम लोग, तो हम लोग को एक एडवांटेज मिले। टच में रहोगे ना वो पहले ही भेज देते हैं कि भाई हमारा सॉफ्ट लॉन्च है, हमारा प्री लॉन्च है, रेरा नंबर नहीं मिला उससे पहले ही वो नॉन बैंकेबल चेक वगैरह लेते रहते हैं, तो उनकी टीम पहले हायर हो जाती है उसके लिए, वो पूरा तैयारी कर लेते हैं, एक बार एक्वायर किया लैंड ना वो आपके पास चल के आएंगे, थोड़ा मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाओ, थोड़ा दिखना चाहिए कि आपके धंधे में हो, है ना, क्योंकि आपके माथे पे नहीं लिखा है कि आप रियल एस्टेट में हो, तो आप वो एक्टिविटी करो, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, ब्रोकर लोगों का जब उनका कभी बिल्डर के फंक्शन रहते हैं देखो बुलाते हैं, खाना पीना रहता है, वहां जाओ आओ 10 से कांटेक्ट में रहो, अपने एरिया के टेलीग्राम ग्रुप में इनसे जुड़े रहो, वहां पे इंफॉर्मेशन फ्लो होती रहती है, पहले ही बम्बार्डमेंट है, कम्युनिकेशन बहुत सिंपल हो चुका है, तो आप थोड़ा सा अपना लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है ज्यादा करके स्पीड पे, एसोसिएट विद सेम रियल एस्टेट ब्रोकर और इन लोगों के साथ ही उठो बैठो। अभी समझो मैं हूँ तो अभी मैं सिंगर के बीच में नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना खाना बैठना मेरे दोस्त मेरी पहचान जो भी है मेरे खाली ब्रोकर लोगों से, दूसरा कोई आ गया मेरा कुछ उसको एक टाइम भी नहीं देता, क्योंकि मेरा बिजनेस है वो, जगतार साहब भी मेरे ऐसे ही दोस्त हो, फिर मेरा कोई और दोस्त है जो आता है आईटी में, बस उसको टाइम ही नहीं देता, मैं आज बिजी हूँ यार, फिर क्योंकि कोई मतलब नहीं है उससे, तो इन्हीं के साथ रहो, मतलब एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ेगा आपको, तो सब वो आपस में दोस्त लोग बोलते हैं अरे मालूम है क्या ये प्रोजेक्ट आ रहा है उसका ये है इसका लॉन्च है, सब वो एक सर्कल बनाओ आपका यहाँ पे, ठीक है यस सर, प्राइमरी सेल क्या रहना चाहिए एसएपी का, मतलब मंडे टू सैटरडे कैसा कॉलिंग वगैरह हो, एक बार बताइए ना। प्राइमरी सेल वाले का थर्सडे प्राइमरी सेल वाले का को ज्यादा ज्यादा लिस्टिंग करो, एक्टिविटी करो,
जहां भी खर्चा करना है मंडे को करके मतलब नहीं, क्योंकि बिजी सैटरडे संडे होने वाली है, थर्सडे से एक्टिव हो जाओ, थर्सडे को ना फ्राइडे तो फुल कॉलिंग के लिए रखो, बाकी कुछ करो ही मत, जितने भी लीड आई थी उनको कॉल करो, सैटरडे संडे बिल्डर ऑफिस में या जहाँ पे प्रोजेक्ट है उधर ही दिखना चाहिए, अपने ऑफिस में अगर आप बैठे हो सैटरडे संडे तो आपने अपना कैलेंडर बुक किया ही नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप खाली ऐसे सोच रहे हो कोई चल के आ जाएगा, बोलेगा आपको घर है क्या, फिर मैं लेके जाऊंगा, ये कुछ नहीं होने वाला है, आपकी डायरी एकदम पैक रहनी चाहिए, सैटरडे संडे में इतना अपॉइंटमेंट होना चाहिए, 11 बजे वो है, 12 बजे, 5-6 बजे उठ के ऑफिस में बैठ जाता है जो ढंग का बिजनेस कर रहा है, ये नहीं कि 11 बजे आए फिर चाय पिया फिर सोच रहे कोई आ जाए, वो तो फेल हो गया आदमी, खत्म है उसका, और उसके लिए आपको थर्सडे से एक्टिव हो जाना पड़ेगा कि कॉलिंग बिलिंग मैसेज करो, सैटरडे संडे हो गया, मंडे ट्यूसडे आप फॉलो अप लो, जिसको भी विजिट करा है पूछो, तो ये ज्यादा है मेरा, ज्यादा है थर्सडे को लिस्टिंग पे फोकस करो, फ्राइडे को कॉलिंग पे फोकस करो, सैटरडे संडे विजिट पे फोकस करो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाकी के अपने काम जो भी, एक दिन ऑफ रखो वीकली का और फॉलो अप का ले लो, हो गया आपका शेड्यूल, ठीक है। हेलो नेक्स्ट। सनत सर। हाँ जी सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर मेरा रेरा नंबर नहीं है तो रेरा नंबर लेना कंपलसरी है क्या? लेना चाहिए? 100% कंपलसरी है रेरा, इंडिया के अंदर किसी को भी अगर रियल एस्टेट में कुछ भी करना है, मतलब अगर आपको 70 के एक दाने बराबर भी प्रॉफिट मिलता है, मान लो मैंने उनको घर बेचा, उसने मेरे को आटे की बोरी दे दी थी, बार्टर हो गया, तब भी मेरे को रियल एस्टेट का रेरा का जरूरत है, उसको ले लो, कौन सा बहुत मुश्किल काम है, रेरा होना अच्छा है, अगर आप रियल एस्टेट में कर रहे हो तो जो है लीगल तरीके से करो अच्छे से, थैंक यू सर। इंडिया है लूपहोल 10 है, दूसरे का रेरा नंबर ले लो, ये करो, अरे 10,000 का रेरा लेना कितना क्रेडेंशियल बढ़ता है, आप अपने नहीं पे लिखो कि रेरा रजिस्टर्ड एजेंट, तो वैल्यू आएगा ना आपको, अच्छी बात वो है, कैसे लेंगे सर, रेरा तो कैसे लेंगे तो उसको, वो एग्जामिनेशन उसका। और कुछ नॉलेज दे सकते हैं क्या इसके बारे में? आप कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर न्यू लैंडिंग पेज क्वेश्चन, कैसे क्रिएट करें? डिजिटल वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, उनका मदद लेना पड़ेगा, ओके ठीक क्या है काम सर। है, आप थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में या आप कैसे करते हो, थोड़ा इनका फायदा, थोड़ा एक 5 मिनट दे दो आप, ओवर टू जगताप सर, हेल्प मी वेलकम मिस्टर राज जगताप, जोरदार तालियां, सर सर लीड के किस चीज पे बात करने का, क्या क्वेश्चन था? सोशल मीडिया सर डिजिटल मार्केटिंग पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालो, आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो जिससे लीड जनरेट हो जाती है आपकी, और ये बहुत अच्छा आपको बता दूं इनके बारे में तो। मैं सोशल मीडिया पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, जैसे किसी से सीखने को मिलता है। अभी सर ने कुछ एक पॉइंट बोला तो मैं ऐड करके चलता हूँ, ऐसा करते करते अभी मेरे सोशल मीडिया पेज इतने एक्टिव है कि मेरे को वहीं से सारी लीड आती है। और पेड प्रमोशन सर को भी पता है मैं नहीं करता, पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, फिर भी बिजनेस अच्छा आता है, क्योंकि सोशल मीडिया को डेवलप होने में टाइम लगता है। आपके हैशटैग होने चाहिए, आप जो पोस्टिंग करोगे वो तुरंत एक्सपेक्ट नहीं करना कि आज के आज मेरे को रिप्लाई आएगा, उसमें 15 दिन जा सकते हैं, महीना जा सकता है, 2 महीने भी जा सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री किस टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड रहता ही है। और अभी एक्टिव मीडिया में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला तो आपके कंपनी का या आपके नाम का एक पेज होना चाहिए, जिसके ऊपर आप प्रॉपर्टी पोस्ट करें या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करें, जैसे सर बताते हैं वैसे कोई ट्रेनिंग पोस्ट करें, ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहनी पड़ेगी, लोगों को पसंद आएगी, उसके बाद में वो धीरे धीरे करके लोग आपका जो सोशल मीडिया पेज रहेगा या एक्टिविटी रहेगी वो आगे आना चालू होता है। इसमें काफी सारा टाइम लगता है, मेरे को शुरू के 5-6 साल में कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलता था, अभी धीरे धीरे मैं बिगर पैसे के मेरे को बिजनेस आता है। तो पहले तो आप पेज बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहिए। सर से और मेरे से भी फास्ट हमारा एक बंदा अभी काम कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे 5 लाख, सोशल मीडिया पे उसमें 5 लाख फॉलोअर है और वहीं से उसका काम चलता है, लेकिन उसने अलग तरीके से मार्केटिंग किया था। तो वो सीखते रहना पड़ेगा, जितने लोग मार्केट में है सब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, किसी से भी सीखते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ में भी सीख सकते हैं कि किसी का कुछ अच्छा पॉइंट है वो तो हम ऐड करें और अपना अच्छा पॉइंट उनको ऐड करने के लिए बोले, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा है,
धीरे धीरे बात करूं तो सबसे पहले आपके पास गूगल पे भी आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए। गूगल प्रोफाइल मस्ट है। फेसबुक से भी पहले आप खुद का गूगल प्रोफाइल बना लीजिए, उसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, मैप में आप होने चाहिए। तो ये सब करोगे तभी जाके आपको धीरे धीरे प्रमोशन होना चालू होता है। एक दिन का काम नहीं है सोशल मीडिया प्रमोशन। सॉरी मेरा कॉल किसको। डन है अभी। चलिए हम अगली बार ना जगताप साहब आपको पूरा आधा घंटे का टाइम देंगे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरत की चीज बन गई है, लीड जनरेशन और सोशल मीडिया। मैं आपको बताऊं, मैं कभी फेसबुक पे नहीं गया था, लेकिन अब मैंने उसको ऐप को डाउनलोड किया है, इंस्टा को किया है, उस पर भी मैं पोस्ट भी डाल रहा हूँ। आप लोग इंस्टा पे जाओ, मैं मिलूंगा सनत यू ठाकुर से, है मेरा इंस्टा, और अब भी मैंने चालू किया। तो मेरी पर्सनल एक्टिविटी भी, अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, घूमने का बहुत अफलातून शौकीन हूँ। रियल स्टेट तो बस पैसा चाहिए इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मैं रियल में, मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो यूट्यूब पे अभी हमारे कुछ 94 समथिंग है। कोशिश करो, मेरा बर्थडे अगले महीने, आप लोगों को पहले बता देता हूँ, 28 सितंबर। उससे पहले 1 लाख मेरे को टच करना था। सो आई नीड योर हेल्प। पार्टी चाहिए उसको प्रमोट कितना करके ना 5,000 खत्म करवा दो, मजा ही आ जाएगा, मौज कर दी। मतलब नहीं भी होगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा यूट्यूबर नहीं, रियल स्टेट वाला ही मेरे को सर, ज्यादा। पार्टी मिलेगी पार्टी। बट एक एक ड्रीम है कि वो हो जाए, तो आप लोग जहां भी है उसको ज्यादा ज्यादा स्प्रेड करो, काफी अच्छी नॉलेज है। देखो मैंने अपनी ताकत लगाई, लोगों को बताया, ये बड़ा पुण्य का काम है। और इससे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कॉम्पिटिटर बन गए या मुझे कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके जो है ना किस्मत में, वो अपना कमाएगा। लोग छुपाते हैं नॉलेज को, नो टॉप सीक्रेट है, बता के रखते हैं। मैंने बताया, तो आप भी अगर किसी की मदद करोगे, भगवान आपकी मदद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हैविली प्रमोट करो, हमारे पास अभी भी 1.5 महीना है और 5,000 सब्सक्राइबर हम लोग कम है। अलग अलग एंगल से करो। तो ये एक था, और एक चीज और बताऊंगा जो स्पेशल, एक जो मेरे लिए ना, ये बुक अगर आप लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने इससे पहले सुना है इसके बारे में या कभी पढ़ा है? जगताप साहब ने कोई ऐसा है जो इसको आपने सुना है या पढ़ा भी है इस बुक को? मैंने लिया है बट पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा। हाँ एक कोको एफएम पे इसका शॉर्ट ये आया था, ऑडियो आया था, वो मैंने पढ़ा है, सुना है कोको एफएम पे। इसके अलावा मैं बहुत सारी बुक्स रोज पढ़ते रहता हूँ, और अभी आंख में उतनी ताकत नहीं है कि मैं ज्यादा पढ़ने के ऊपर ध्यान दूंगा, तो मैं सारी बुक सुनता हूँ अभी। सर यहाँ पे एक और शूटिंग चल रही है, आप लोगों को बता दो। हाँ, तो ये बुक, दिस इज द वर्ल्ड्स नंबर वन बुक फॉर रियल एस्टेट एजेंट। ये भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है रियल एस्टेट की। अमेजिंग 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 बुक है, सबके लिए मस्ट है। मतलब आपको ये पढ़ना ही है, 4 पेज इसके पढ़ो, भयंकर नॉलेज है। और ये बंदा ही जो केलर विलियम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनी है उसका ओनर है, जो कैरी है। ऐसी और काफी बुक है। एक और सेलिंग पे आपको पढ़ना है तो जो मुझे बड़ी पसंद आई, गो गिवर नाम से, मैं अभी यहाँ बुक नहीं है, तो वो एक पढ़ना अगर आपको सेलिंग में दिक्कत आ रही है, आपको अगर लोगों से फ्रेंडशिप बनाने में आ रही है, तो आप डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ना, ठीक है। अगर आप छोटे सपने देखते हो तो मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ लो, तो या थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल का पढ़ लो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड इसकी है। द सीक्रेट आप देख लेना रोंडा बैन का, ओ माय गॉड, मतलब वर्ल्ड के सारे चैंपियंस, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेस टाइकून हो, कोई भी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। बहुत लोगों ने द सीक्रेट तो देखा होगा रोंडा का, कि नहीं, कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है पूरा वीडियो? माँ सर, गंगा, मैंने मेरे को देखा सर सीक्रेट। लगा 80 लोगों ने देखा होगा यार। वो ऐसी चीज है कि पूछो मत, जिंदगी बदल देती है। चाहे वो धोनी साहब थे, कोहली साहब थे, किसको भी पूछो, कोई भी कोच है, ये पहली चीज रिकमेंड करता है कि आप उन हालात को अट्रैक्ट करते हो जो आपके दिमाग में है। तो पॉजिटिव रहने के लिए वो देखो, किसी को फायर एकदम चाहिए तो इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। एक्साइटमेंट अगर आपका लूज कर रहे हो ना, वो सुन लो, बिली सम है उसका, नहीं, जेम्स ब्राउन, क्या नाम है पता नहीं राइटर का, सबके नाम याद नहीं रहते, बट वो वीडियो इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन मेरा फेवरेट है। मतलब फायर्ड अप एकदम कर देता है। और ऐसे बुक की बात करूं तो आप ग्रैंट एसी की कुछ भी पढ़ते रहो, सब एक से एक बढ़ के, जिग जैगलर को पढ़ो,
नॉर्मल जिसको बुक की हैबिट नहीं है कि यार बोरिंग लगता है, आप स्टार्ट विद यू कैन विन शिव खेरा की छोटी छोटी स्टोरीज है, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी, पहले मैं मनोहर कहानियां और क्या क्या पढ़ता रहता था, बकवास नॉवेल। पर पहली बुक जो मैंने पीएमए पे पढ़ी पॉजिटिव माइंडेड एटीट्यूड की, वो थी शिव खेरा की यू कैन विन। अमेजिंग बुक है बॉस, मतलब बहुत हल्की फुल्की, ज्यादा दिमाग को लोड नहीं लेना है। उसके बाद किसी को लीडरशिप, बड़ा ऑफिस चला रहे हो, स्टाफ है, सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये पढ़ो स्टीफन कवी, मतलब अमेजिंग है बॉस लीडरशिप पे। जॉन मैक्सवेल पे पढ़ो, जिसके 200-400 लोगों की टीम है, वो बहुत बढ़िया है। किसी को थोड़ा स्पिरिचुअल जाना है, मतलब स्पिरिचुअल से थोड़ा बचे ही रहो, क्योंकि फिर बिजनेस, मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, बिजनेस या बिजनेस, मतलब दोनों के बीच में चल रहा है। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है स्पिरिचुअल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काम भी कुछ कम नहीं है, मतलब जाके माला जपने से अच्छा है किसी की जिंदगी बदलो। पर रॉबिन शर्मा बहुत अच्छा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इसकी अमेजिंग बुक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं मैंने क्या क्या पढ़ रखा है, सेरहेंट, अगर आप जानते हो नहीं तो उसके बारे में उसकी वीडियोस देखो, रियल स्टेट में टॉप का प्रोड्यूसर है, ग्रैंड कार्डन है, उसके बारे में पढ़ो, बहुत अच्छे। आपको बुक बहुत जरूरी है, कहने का क्या मतलब है, वीडियो आप देख रहे हो तो वो डोज मिल रहा है, बट ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसको तीन चाबियां लगती है। पहला है कि जैसे आपने वीडियो देखा, सेकेंड है कि ये मेंटर मिल गया, थर्ड है बुक, क्योंकि कई चीजें मैं आपकी पर्सनल नहीं जानता कि क्या चीजें आपको रोक रही हैं, बुक जो है वो आपको बताएगी। सबके अपने पर्सनालिटी क्वाड्रेंट रहते हैं ना, कुछ चीजें आप अपने बारे में जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो क्या हो गया, आपने नाम बताया, मैं भी जान गया आपका नाम। कुछ चीजें आप खुद नहीं जानते, दूसरा जानता है। कई बार मेरी कुछ आदत है आंख में नाक में हाथ डालने की, या स्मेल आती है, मुझे नहीं पता लगता, लेकिन सामने वाला दूर जाता है, बैड ब्रेथ है आपसे, पर आदमी खुद को नहीं पता होता। तो वो तो भी ठीक है, कोई बता सकता है, आपका मेंटर वहां पे करेगा, जो आप नहीं जानते वो आपको गाइड करेगा। कुछ चीजें हैं जो सबसे डेंजर वाला क्वाड्रेंट है, कि कुछ चीजें मतलब आप जानते हो, मैं नहीं जानता, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका बैंक बैलेंस है, मुझे नहीं पता कितना है किसी के बैंक में, तो वो तो आप सुधार सकते हो। पर सबसे जो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, वो सबसे डार्क साइड है, वहीं पे सारे लोग फेल होते दुनिया के। तो वो है जो बुक आपको बताएगी, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मेरी आदत है, मैं ईगो हर्ट कर देता हूँ किसी की, मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे आपको वो बुक सिखाएगी। मैं कुछ बताऊंगा तो बोलेगा यार ये तो, मुझे भी कोई बोलेगा तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मैं सुधर जाता हूँ। बहुत जरूरी है, कोई भी कामयाब आदमी, आप जाके टाटा को देखो या आप किसको भी जानते हो, जैसे बिल गेट बोलते हैं ना, बिल गेट के घर में खाली किताबों का भंडार है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुक, मतलब महीने में 4 से 5 बिल गेट पढ़ता है। जकरबर्ग को जाके पूछो, खाली बुक रीड करते हैं, जितने भी है, वारन बफे को जाके देखो, दे आर लाइक एविड, लाइक बुक्स ही चाहिए हो, कीड़े हैं वो किताब के। मेरे पास मेरी बेड जो है आधे बेड पे भरी, एट अ टाइम मैं 15 से 20 बुक पढ़ रहा होता हूँ एवरी मंथ, ऑन एन एवरी से 4 बुक मैं ऑर्डर करता हूँ। मेरा कभी भी अमेजोन पे गया हूँ तो खाली बुक खरीदने गया हूँ, मुझे दुनिया में कोई बता दे रेट पे बुक आई है मेरे घर पे, वो होनी होनी है। अब ये सस्ती नहीं है, जो बुक मैंने दिखाई है 1800 की है, क्योंकि तो अच्छी चीज कभी होगी नहीं सस्ती, 20-30 रुपए में नहीं मिलेगी, 100-200 में, 1 लाख 80 लाख मेरा घर बना है, मेरी सब जिंदगी बनाई है इन किताबों ने। अभी कोई डॉक्टर है बनता है तो किताबों से पढ़ता है ना, तो क्या हो गई किताबों, 300-400 की किताबें थी, पर उससे वो 3-4 लाख एक ऑपरेशन करने का लेता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ऑडियो क्या लिखा है किसी ने, तो आप इनके पढ़ो, नहीं तो इनके ऑडियो बुक्स पढ़ो, मुझे तो ज्यादा ऐसे पढ़ के अंडरलाइन करने मजा आता है, पर ऑडियो बुक सबकी मिल जाएगी। तो ये मीटिंग यहाँ पे खत्म करते हैं, बुक पढ़ो, ये सारी चीजें करो, मैं आता रहूंगा बार बार, आपकी कामयाबी गारंटी है। सभी को मेरा एक ही है कि जो रोज एक किताब पढ़ेगा 20 मिनट, दो वीडियो देखेगा एक टेक्निक पे, एक एटीट्यूड पे, और ये जो वीकली एक ओपन मीटिंग मैं बोलता हूँ जो सबके लिए ओपन है, ये तीन का फेल नहीं होगा, सबके सब कामयाब होंगे, मेरा वादा है। और 3 से 5 साल बाद, 3 से 5 साल के अंदर आप अपने फैमिली के सबसे रईस लोग होंगे, खानदान के सबसे अमीर में आपका नाम होगा। मैंने यही तीन काम किया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है। अभी जो मैंने बता दिया, आदमी की याददाश्त बहुत कमजोर है, 2-3 दिन में वापस से जैसे थे हो जाएगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, थोड़े रिजेक्शन आ जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, हेल्थ चैलेंजेस आ जाएंगे, रिलेशन के चैलेंजेस आ जाएंगे, फाइनेंस के चैलेंजेस आ जाएंगे, फिर जो यहाँ थे आप डाउन होते चले जाओगे।
पर जैसे एक वीडियो देखोगे फिर से चार्ज हो जाओगे, जैसे एक बुक पढ़ोगे फिर से चार्ज हो जाओगे, तो ये फाइट चलती रहेगी और धीरे धीरे आपका जो एटीट्यूड है, नजरिया है, वो स्ट्रांग होते जाएगा, मेंटली टफ हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये तीन काम शिद्दत से रिलीजियसली आप कभी नहीं छोड़ना। जैसे आप खाना खाते हो रोज, नहाते हो रोज, उसी तरह दिमाग को भी कुछ चाहिए। हम दिमाग के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हम गले के नीचे सब कुछ करते हैं। मैंने कपड़ा पहना, वॉच पहना, खाया, सब कुछ मेरे गर्दन के नीचे है, गर्दन के ऊपर कुछ नहीं किया। पर पैसा जो मैं बताता हूँ वो खाली दिमाग से बनाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अच्छी चीजें डालो, न्यूज नहीं सुनने का जाके, गसिप नहीं करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और यहाँ पे अच्छी बुक्स, अच्छे वीडियोस, और एक जो मेंटर ने बताया उसको ध्यान देना है। आपकी जिंदगी बदल गई है, बस 3 से 5 साल बाद वर्ल्ड की बेहतरीन चीजें आपका इंतजार कर रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, जाते सब करना कि थैंक यू ना, सर। मतलब ये तीनों काम रोज करना, नहीं तो ये सब 2-3 दिन में चला जाएगा। रोज किताब पढ़ूंगा, वीडियो देखूंगा, और ये जो हफ्ते की एक मीटिंग है मैं कभी नहीं मिस करूंगा। और एक आदमी अगर फेल हो गया मैं मेरा नाम बदल दूंगा, मैं धंधा छोड़ डालूंगा, चलो रियल एस्टेट का, यूट्यूब बंद कर दूंगा मैं। इतना पावर है तीनों पर, तीन में से बोलो दो करूंगा ये पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं है उसी में आपकी सक्सेस है। ये हॉबी नहीं है, रियल एस्टेट बिजनेस है। पसंद हॉबी होती है, मेरे को गाना घूमना पसंद है तो पसंद में पैसे देने पड़ते हैं। मुझे भी ये पसंद नहीं है गले आके फाड़ना, लोगों को कॉल करना, वो बोलेगा क्यों कॉल किया, लेकिन पैसा चाहिए ना, नहीं पसंद है वो करो, चॉइस आपकी है। कामयाब बनना, नो एक्सक्यूजेस, आइदर यू कैन मेक मनी और मेक एक्सक्यूजेस, यू कांट मेक बोथ थिंग टूगेदर। पैसा चाहिए या बहानेबाजी, तो बहाने करो मेरे को भूख नहीं है, नहीं आज खत्म करो, बोलो इनफ, ये बस, इसके बाद जो बोल दिया मैं करूंगा, बस खत्म, फुल प्राइस पे करूंगा, गया तेल लेने। एक बार अमीर बन जाओ, बाद में वापस से जो मर्जी हो करो, टीवी देखो, मौज करो, ऐसा नहीं बोल रहा, जिंदगी भरे थोड़े दिन के लिए पार कर दो, पार्टी थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन, पोस्टपोन, एंड देन 3 साल एकदम फोकस होके 1,000 दिन दे दो भाई, मजे करोगे। मैंने वो किया एग्जैक्टली, उसके बाद आज मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं आके काम करूं नहीं करूं, अभी लोग है करेंगे, चल रही जिंदगी, 3 साल अपने आप को खपा डालो, डन है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार, अगले दिल में तो कंसेप्ट पे एक वीडियो मैंने देखता वीडियो डाउन डाला है ग्रुप में। सर, वो सेल मी द स्पिन कर कंसेप्ट। मैं जाना चाहता हूँ दोस्तों, थैंक यू सर, सर थैंक यू गुप्ता सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर।